ये है कमाई का अड्डा, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सभी का स्वागत है। सुबह की सुस्ती से उभरने की पूरी कोशिश में भारतीय बाजार, आखिरी डेढ़ घंटे का कारोबार कहां जाकर टिकेगा उस पर रहेगी नजरें, लेकिन पहले हेडलाइंस। धनतेरस के दिन बाजार में रिकवरी का मूड, निफ्टी निचले स्तरों से 70 पॉइंट सुधरकर 19,400 के ऊपर आया। एचडीएफसी बैंक, आईटीसी, बजाज फाइनेंस ने आज ने भरा जोश। बैंक निफ्टी और मिड कैप भी हरे निशान में लौटे। मिले जुले रहे M&M के नतीजे, रेवेन्यू 16% तो मुनाफा 67% बढ़ा। हालांकि एबिटा और मार्जिन का आंकड़ा रहा अनुमान से थोड़ा कम। वहीं उम्मीद से कमजोर रहे हिंडालको के रिजल्ट्स। बाजार को अब आयशा, कोल इंडिया और ONGC के नतीजों का इंतजार। TCS के पेमेंट को लेकर MCX की सफाई के बाद शेयर 4% दौड़ा, बना वायदा का टॉप गेनर। मैनेजमेंट ने कॉनकॉल में कहा पहले साल TCS को नहीं करनी है कोई पेमेंट, हर साल मेंटेनेंस खर्चा होगा 10 करोड़ रुपए से कम। और इस हफ्ते स्मॉल फाइनेंस बैंक की अच्छी लिस्टिंग, BSE पर 60 रुपए के इशू प्राइस के मुकाबले करीब 20% प्रीमियम पर हुआ लिस्ट, 73 गुना से ज्यादा भरा था इशू। मुझे लगता है लार्ज कैप्स विल आउट परफॉर्म, बिकॉज ये ना सोचे कि हर साल कोई रिटर्न में है कि स्मॉल कैप्स हैव टू आउट परफॉर्म। एक्चुअली जब 3-4 साल पहले 2018 में कुछ 40% गिरे थे ये स्टॉक्स, जबकि मार्केट नहीं गिरी थी। बाजार के महारथियों के साथ CNBC आवाज का दिवाली सेलिब्रेशन। समीर अरोरा बोले लार्ज कैप शेयर अब आउट परफॉर्म करेंगे, बाजार में अभी बड़े रिटर्न की उम्मीद नहीं, नए IPO के वैल्यूएशंस महंगे। चलिए फिर कमाई का अड्डा में स्वागत है आपका इस धनतेरस वाले दिन। हर्षदा वीरूर में रहेंगे आपके साथ। और आज जो एक चीज़ की सुबह डिस्कशन हो रही थी कि डिवाइन इंटरवेंशन मिलना चाहिए आज हमको, सुबह सुबह देख के लग रहा था गिफ्ट निफ्टी की बड़ा गैप डाउन होगा, लेकिन एक हमारा व्यू यही था हर्षदा कि बाय ऑन डिप्स और उस डिप को बाय करिए, और मार्केट ने उस ट्रेंड का रिस्पेक्ट किया। अगर आपने उस डिप में बाय किया, शानदार, मार्केट ने आपको पैसा कमा के दिया, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन एटलीस्ट 60-70 पॉइंट निफ्टी पर मिले होंगे आपको। और निचले स्तरों से मिड कैप्स में शानदार रिकवरी आई। एक समय ऐसा लग रहा था मिड कैप्स बहुत ज़्यादा कोलैप्स करने वाले हैं, लेकिन शानदार रिकवरी मिड कैप इंडेक्स में सुबह के लो के बाद से। इनफैक्ट सबसे शानदार रिकवरी यहीं पर है, और बैंक निफ्टी ने फिर आउट परफॉर्म किया है, जो अपने आप में मेरे लिए एक बड़ा पॉजिटिव है कि मार्केट में कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी वापस एक कमबैक कर रहा है। देखते हैं फिर लास्ट का 1.5 घंटा कैसे रहता है। इंटरेस्टिंग रहेगा, कंसीडरिंग अगला सत्र जो होगा वो ऑफकोर्स छोटा सत्र, लेकिन दिवाली वाला, मुहूर्त वाला सत्र है, और उससे पहले हम 19,400 के आसपास ही मंडराते दिखाई दे रहे हैं। फिर आज के क्लोज के लिए 400 से थोड़ा नीचे चलेगा या फिर 400 पक्का रहना चाहिए? नहीं, चलेगा आज तक, कोई टेंशन नहीं है। देखिए, पोजिशनल लॉन्ग मार्केट है, और अब आपके लिए बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है, अब लॉन्ग रहें, और अब तो आपका स्टॉप लॉस बहुत क्लियरली डिफाइंड हो गया, वेल डिफाइंड हो गया। आज का लो 19,329, आज का लो लग गया ना, निकल जाइए मार्केट से, कोई दिक्कत नहीं है। आज का लो लग गया तो न्यूट्रल हो जाइए, फिर कोई टेंशन नहीं है। मुहूर्त वाले दिन वैसे ही मार्केट शुरू में चलता है थोड़ा सा, उसके बाद फ्लैट हो जाता है, लेकिन स्टार्ट तो गैप अप के साथ होता है, क्योंकि हर कोई अपने स्टॉक्स खरीदता है मुहूर्त वाले दिन। तो इसके लिए एक बार के लिए मार्केट मुहूर्त में आपको गैप अप देता है। तो अब उसमें इशू क्या होता है कि आप आज ले लें और मुहूर्त वाले दिन आपका बेचने का मन करेगा नहीं, तो इसके लिए आप रखें उसको, कोई टेंशन नहीं है। और अब अगला रेजिस्टेंस है यहाँ 19,500, मुझे लग रहा है मुहूर्त वाले दिन शायद हमको 19,500 देखने को मिल जाए एक बार के लिए। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी ने बहुत शानदार सेटअप दिया है, बार बार 200 मूविंग एवरेज को डिफेंड करके आगे मूव कर रहे हैं, और अब तो हम 43,500, आज देखिए क्या 43,500 से घूमे हम, एग्जैक्ट 43,500 जो कि पुट ऑप्शंस का सबसे बड़ा सपोर्ट था, हर्षदा वहाँ से घूमे। अब आज का लो 43,500, ये आपका स्टॉप लॉस है। कंजर्वेटिव रहना चाहते हैं तो 43,200 का कर लें, और 44,000 के टारगेट्स मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी में ओपन हो रहे हैं, जो शायद अगले हफ्ते या इस सीरीज़ के अंत तक मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी में आने चाहिए। और एक चीज़, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर है मार्केट में अभी भी, और वहाँ पर अभी भी आपको बहुत एक्शन मिल रहा है। आज भी देख लीजिए मिड कैप्स ने किस तरीके से रिकवर किया। जी हाँ, एक बढ़िया रिकवरी डेलो से ज़रूर देखने को मिल रही है। अब ऐसे में वीरू बताइए, स्टॉक्स जहाँ पर वायदे में ज़्यादा इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है।
बिल्कुल हर्ष, गुड आफ्टरनून अनुज, गुड आफ्टरनून। कुछ चार पांच स्टॉक्स पर नजर डालेंगे जो कि पॉइज्ड हैं इस क्लोजिंग में, अगर बाजार ठीक ठाक रहा एक अपर स्विंग के लिए। फर्स्ट है NTPC। आज वॉल्यूम्स अच्छे खासे हैं इस स्टॉक में और इस वक्त डे हाई की ट्रेजेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ अबव ऑल एवरेजेस। गौरतलब है कि अक्टूबर की सीरीज में, पूरे अक्टूबर में इसने रेस्ट लिया। अक्टूबर एंड में ऑलमोस्ट 50 डे मा तक रिट्रेस हो गया था, लेकिन अब इसमें पुल बैक आता हुआ। आप जरा इसका OI एडिशन देखिए हर्ष, 7% बिल्डअप, 53 लाख, दैट्स ह्यूज। आई मीन ये हल्की सी एक स्लोपिंग डाउन चल रहा है, वो बाइसेक्ट होती हुई तो NTPC पर नजर रहेगी। स्ट्रॉन्ग मूव यहाँ पर। आज पावर में थोड़ी सी जान भी है। BHL अर्निंग्स थोड़ी खराब रही थी इस बार, लेकिन कल भी अर्निंग्स खराब होने के बावजूद कोलैप्स नहीं हुआ था, सेकेंड हाफ में स्टॉक पुल बैक लेके ट्रेड कर रहा था और आपकी स्क्रीन पे अभी भी डी हाई पर है और एग्जैक्टली सेम रेप्लिका है इन टर्म्स ऑफ प्राइस परफॉर्मेंस ये NTPC का। उसने भी 50 डे वहाँ पर रिट्रेसमेंट दिया था, इसने भी दिया और वहीं से पुल बैक का 2% का OI बिल्डअप, करीब 19 लाख शेयर का बिल्डअप है यहाँ पे। इसमें भी एक स्लोपिंग नॉर्मल चैनल करीब करीब महीने भर की वो कटती हुई, तो दो पावर स्टॉक्स मेरी नज़र में रहेंगे। जहाँ तक बात है HL की, देखिए सुबह भी चला, चल अभी भी रहा है, लेकिन बात है डेटा की, डेटा क्या पॉइज्ड है नेक्स्ट स्विंग के लिए। हायर लेवल से थोड़ी बहुत शॉर्टिंग हुई थी यहाँ पे इस स्टॉक में, आज सुबह खुलते ही साथ स्विंग अच्छा था लेकिन हायर लेवल से शॉर्टिंग हुई, तो थोड़ा सा इस पर देख के चलेंगे कि लोअर लेवल्स पे क्या करता है। अभी तक कल का जो और परसों का जो हाई है वो वॉलेट नहीं हुआ है, तो एक स्टॉक पर नजर रहेगी। और एक DLF, थोड़ा सा HL पे कॉशियस अप्रोच रहेगी, DLF पे एक स्ट्रॉन्ग अप्रोच है। DLF का डेटा काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, अभी भी स्टॉक इस दौर की और डेकेड हाई पर ट्रेड करता हुआ, इट्स 605 ऑन द हायर साइड। ये ऑलमोस्ट 2008 के बाद का सबसे हायर लेवल है और OI एडिशन देखिए करीब 7.5 लाख का, तो इसमें एक HL थोड़ा सा बैकफुट पे, अदरवाइज इन तीन स्टॉक्स पे मेरी निगाहें रहेंगी, DLF, BHL और NTPC। हर्षदा, तो ये फिलहाल कुछ स्टॉक्स यहाँ पर एक्शन बनता दिखाई दिया है। अच्छा, इस बीच पहले तो हाइल स्क्रीन पर रखेंगे और ट्रेंडिंग काउंटर्स में मेरे ख्याल में ये शामिल भी है। दरअसल नतीजे अभी अभी आए हैं, नंबर्स ओके हैं, मुनाफा फ्लैट, 1% का इजाफा, इनकम में 9.5% तक की वृद्धि और मार्जिन थोड़े से घटे हैं, 22% से घटकर करीब 10 बेसिस पॉइंट की गिरावट, तो ठीक ही नंबर्स, कुछ ज्यादा आतिशबाजी नहीं है। और इसके सामने अगर आप मजगांव डॉक याद होगा, बहुत ही बंपर परफॉर्मेंस था, BML का अच्छा परफॉर्मेंस था, लेकिन हाल के केस में वैसी स्थिति नहीं है। चले फटाफट से ट्रेंडिंग काउंटर्स पर आते हैं, वो स्टॉक्स जहां पर आज अच्छा खासा एक्शन, अच्छी तेजी देखने को मिल रही है, उनके साथ शुरुआत करेंगे क्योंकि निचले लेवल से बाजार भी रिकवरी मूड में आता दिखाई दे रहा है। तो NTPC 1.5% ऊपर, ONGC के नंबर्स का इंतजार, यहाँ पर 1.5% की तेजी और पावर ग्रिड में 0.5% का इजाफा है। CPSE इंडेक्स में दरअसल आज आउट परफॉर्मेंस है, सरकारी कंपनियों का जोर देखने को मिला है, टेक महिंद्रा का साथ मिला है थोड़ा बहुत, करीब 1% का इजाफा इधर भी बनता दिखाई दे रहा है। अब आइए आप कुछ और काउंटर्स पे जहां पर एक्शन बनता दिखाई दिया है, तो MCX में एक पुल बैक ट्रेड है, जैसे हम हेडलाइन में भी क्लैरिफाई कर रहे थे, 60% की तेजी। कल परसों आपको याद होगा, कल ही इनफैक्ट हम बात कर रहे थे NMDC की, आज फिर चमका है। वेदांत के शेयर में भी करीब करीब 3.5% का इजाफा, और अरबिंदो फार्मास बहुत ही बढ़िया नंबर्स रहे और 3% ऊपर वो स्टॉक ट्रेड करता हुआ, मुनाफा वसूली कहा है। हीरो मोटोकॉर्प आज 2% नीचे, M&M के नंबर्स के बाद मार्जिन फ्रंट पर थोड़ी सी निराशा है तो स्टॉक 1.5% नीचे। जी एंटरटेनमेंट नंबर्स अच्छे लेकिन स्टॉक फिसला, और USL में भी आज भारी भरकम प्रॉफिट बुकिंग होती दिखाई दी है, ये भी करीब करीब 5% के नुकसान पर ट्रेड करता दिखाई दिया है। तो ये फिलहाल वो कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर तेजी और मंदी के सौदे आज बैठते हुए दिखाई दिए हैं। अब ऐसे में आपकी रणनीति क्या हो और किन स्टॉक्स पर आपकी नजरें होनी चाहिए, इस पर बात करेंगे हमारे जानकारों से। चोला सिक्योरिटीज के धर्मेश कांत हमारा साथ दे रहे हैं टेक्निकल कॉल्स के लिए, हम बात करेंगे प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, राजेश सातपुते, शिल्पा रावत और समित चौहान, साथ ही रुचित जैन भी हमारा साथ देने वाले कार्यक्रम में। 2:15 बजे हुनासा कंज्यूमर यानी कि मामा अर्थ की लिस्टिंग के बाद स्टॉक की हो रही है आज धुलाई। अब इस पर जेफरीज की रिपोर्ट आई है, क्या कह रही है ये रिपोर्ट और कैसे पढ़ना चाहिए इस पूरे एक्शन को, यतिन को जोड़ेंगे। 220 पर लैंडमार्क कार्स के प्रोमोटर और एग्जीक्यूटिव चेयरमैन संजय ठक्कर से होंगे बातचीत नंबर्स पर और ऑफकोर्स ओवरऑल डिमांड एनवायरमेंट पर। 2:30 बजे मन्नपुरम के नंबर्स क्या कैसे रह सकते हैं उस पर सुमित को जोड़ेंगे। फिर 2:40 पर ब्रोकरेज हाउसेस की इस दिवाली, इस संवत से अगले संवत तक या फिर नए संवत में कौन सी वो टॉप पिक्स उभर कर आई हैं, इस पर भी सुमित को आपके सामने लेकर आएंगे। 2:45 पर समीर अरोरा से जो डिटेल में बातचीत हुई है आज के दिन, उसका एक हिस्सा सुनाएंगे। और फिर मार्केट बिग वॉइस में हमारे साथ
सिद्धार्थ भामरे भी जुड़ने वाले हैं, उनसे भी पूछेंगे कि क्या आपकी रणनीति होनी चाहिए दिवाली के पर्सपेक्टिव से। HDFC सिक्योरिटीज के रिटेल रिसर्च हेड दीपक जसानी हमारे साथ आज जुड़ने वाले हैं, और फिर आज ऑफकोर्स STBT या BTST दिवाली के मुहूर्त ट्रेड से पहले क्या किया जाए उस पर भी होगी बातचीत। ये सब आपके सामने लेकर आएंगे अगले डेढ़ घंटे में। चलिए हमारे जानकार तैयार हैं। गुड आफ्टरनून और आप सभी को धनतेरस की एक बार फिर ढेरों शुभकामनाएं। गाबा साहब बताइए इस समय का ट्रेड। गुड आफ्टरनून टू यू, आपको भी धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्टॉक जो मैंने चुना है वो है NMDC, बहुत बढ़िया स्टॉक लगता है, 168 के आसपास ट्रेड कर रहा है। टारगेट नेक्स्ट 174-175 बन सकते हैं, स्टॉप होगा 166। यस, NMDC कल तक शायद आ जाना चाहिए। ओके, NMDC 168.70 पे स्क्रीन पे गया और बहुत स्ट्रॉन्ग चार्ट। राजेश सतपुते जी, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड क्या रहेगा, कन्वर्शन ट्रेड इस वक्त का? गुड आफ्टरनून वीरेन एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। वीरेन देखिए, वैसे अगर मोमेंटम देखें तो PFC में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मुझे लगता है इसी के साथ रहेंगे, क्योंकि हमें जो मोमेंटम प्ले करना है उसका जो टारगेट बनता है कम से कम 290-295 बनेगा अकॉर्डिंग टू स्विंग ट्रेड। सो इट्स स्टिल अ बाय एंड PFC 283 चल रहा है, स्टॉप लॉस जो होगा वो रहेगा 278 का, ₹5 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। तो PFC में एक मोमेंटम और PFC के नंबर्स हम सबने देख लिए, उसके बाद तेजी भी बनी अच्छी खासी। शिल्पा जी, गुड आफ्टरनून, बताइए आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून एवरीवन, मेरा अभी के लिए ट्रेड रहेगा टोरेंट फार्मा में। टोरेंट फार्मा एक बहुत अच्छे सेटअप में है, यहाँ पे 2040 फ्यूचर्स के लेवल्स की बात कर रही हूँ। 2040 के स्टॉप लॉस से 2130 के टारगेट्स अप्रोचेबल हैं, आप इसको ऑप्शंस के थ्रू भी ट्रेड ले सकते हैं। 2100 का कॉल ऑप्शन रफली 31-32 रुपीज में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। ₹20 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, ये टारगेट्स आपको 50+ के भी दिखाएगा आपको। ओके, टोरेंट फार्मा आपकी स्क्रीन पे 2059 पे आके ट्रेड करता हूँ। शिल्पा जी का ट्रेड है यहाँ पर। मानस, गुड आफ्टरनून, मानस आपका ट्रेड? गुड आफ्टरनून वीरेन जी, तो देखिए मेटल में बहुत स्ट्रेंथ लग रही है और वेदांता उन्हीं में से एक है जो अब तो हायर टॉप्स हायर बॉटम्स क्लियरली चार्ट पे बना रहा है। 50-day मूविंग एवरेज पहले ब्रीच हो चुके थे, आज 100-day मूविंग एवरेज भी ब्रीच हुए हैं, उसके ऊपर स्टॉक निकला है, प्राइस ब्रेकआउट देखने को मिला है इसके। 239 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, वेदांता में खरीदारी करनी है और 252 के टारगेट्स पॉसिबल है वेदांता में। दोनों मैंने कैश लेवल्स बताए हैं। अगर ऑप्शन में ट्रेड लेना हो तो 245 वाला कॉल ऑप्शन ₹6.70 का ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप खरीदारी करिए, ₹4.50 का स्टॉप लॉस लगाइए और ₹11.50 के टारगेट सेट करिए। जी हां, और याद रखिएगा जब आप वेदांता को ट्रेड कर रहे हैं ऑन द हायर साइड, मतलब लॉन्ग ट्रेड पे कर रहे हैं, तो इन कंपैरिजन द रेस्ट ऑफ आई मीन जो मेटल्स हैं इसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेहतर है। और मैं इस बात का जिक्र यहाँ पे मानस के साथ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब कोलैप्स हुआ था बीच में, आपको याद होगा वेदांता में वन साइडेड कोलैप्स था, उस दिन 245 पे एग्जैक्टली लास्ट डैमेज हुआ था, जब वो सिंगल दो कैंडल्स में अगर आप देखें डैमेज हुआ था, और उसके बाद यानी 7 अगस्त के बाद इट्स फर्स्ट टाइम ये अपने बेस से निकल के बाहर आता हुआ, फर्स्ट टाइम उस दिन के बाद ये अपने 100-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को वॉलेट कर रहा है ऑन द हायर साइड। तो ये कुछ इस ट्रेड की स्ट्रॉन्ग प्रॉपर्टीज हैं। धर्मेश, गुड आफ्टरनून, धर्मेश आपको भी धनतेरस की शुभकामनाएं, आपका कन्विशन ट्रेड इस वक्त? नमस्कार, और आपको सभी CNBC आवाज पे और सारे दर्शकों को धनतेरस और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। ये साल काफी शुभ लाभ से भरा हो यही कामना है और आशा है। देखिए, जहाँ से ट्रेड इज कंसर्न, मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके का अभी मार्केट सेटअप है और जो एक मैक्रो इवेंट प्ले आउट हो सकते हैं डोमेस्टिक भी और इंटरनेशनल भी, उस हिसाब से थोड़ा सेफ खेलना चाहिए। और वहां पर मुझे लगता है कि पावर ग्रिड काफी एक उम्दा विकल्प बन के आता है, फंडामेंटल्स काफी स्ट्रांग है, नतीजे भी क्वार्टर टू के काफी अच्छे आए थे और इनके जो मार्जिन है मेंटेन्ड है, और ये जो कंपनी है 20-25% के आसपास की प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ आने वाली है 3-4 सालों में, बिकॉज जो इलेक्ट्रिसिटी डिमांड है वही 10-12% बढ़ के आ रहा है। सो वो उसका जब आप वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उसका आपको कमीशन मिलता है वहाँ पे। ROE काफी स्ट्रांग है, 20 के ROE पर ये मिल रहा है कंपनी, और जबकि PE मल्टीपल है अगर एक साल आगे का आप देखें तो वो अराउंड 10-11 के आसपास मिल रहा है, तो काफी बड़ा डिस्काउंट है, वैल्यू बाई है। इसे 240 के टारगेट के लिए थोड़ी मध्यम अवधि के समय से आप लेकर के बाई करके चल सकते हैं। 240 शुड बी द लाइकली टारगेट।
240 लाइकली टारगेट, पावर ग्रिड में ही अच्छा खासा मोमेंटम, स्टॉक आधा परसेंट ऊपर है लेकिन यहीं पर अच्छे पैसे बनने के चांसेस दिख रहे हैं। अच्छा, इस बीच बेक्टर्स के नंबर्स आ गए हैं, मार्जिन बढ़ा है करीब 12.7% से बढ़कर 15.6% के आसपास आता हुआ, साथ ही साथ अगर आप देखिएगा मुनाफे में भी कंसोलिडेटेड लेवल पर 37 करोड़ का फिगर आया है, 22 करोड़ से बढ़ा है, ये 4% ऊपर बाय द वे ये काउंटर इस समय ट्रेड करता हुआ, तो आय भी अच्छी है। QSR सेगमेंट का जो नंबर था वो लार्जली एक मिक्स्ड बैग था, लेकिन वेक्टर जो लार्जली एक प्रोवाइडर है, जो बंस प्रोवाइड करते हैं आप, चाहे आई नो फॉर श्योर वेस्ट साइड यानी कि मैकडॉनल्ड्स इनसे सोर्स करता है, दूसरे कई सारी चेन्स इनसे सोर्स करती हैं, तो यहाँ पर तेजी देखने को मिली। लेकिन धर्मेश, आपने नोटिस किया होगा इस बार ही QSR थोड़ा सा एक मिक्स्ड प्ले था, वेक्टर पर आपकी क्या राय है? ज्यादा QSR स्पेस है, 100% मिक्स प्ले था और वहां पे जो वॉल्यूम ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन थी वो देखने को नहीं मिला, प्लस जो कंपनियों मैनेजमेंट की कमेंट्रीज है वहां पर सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ पे भी थोड़ा सा वीकनेस रहा है और न्यू स्टोर ओपनिंग पर भी कोई खासा इंकरेजिंग कमेंट्री था नहीं। एज फार एज वेक्टर इज कंसर्न, तो यहाँ पर एक ही कंसर्न है सबसे बड़ा, वो है वैल्यूएशन का। सो वैल्यूएशन मुझे जस्टिफाइड नहीं लगता है, नंबर ये तो मतलब 10-12% के आसपास का जो ट्रेजेक्टरी इनका चलता है ग्रोथ का वो मेंटेन रहेगा, थोड़ा बहुत मार्जिन में 50 बेसिस पॉइंट आप फ्लिप फ्लॉप ले लें बट वो कंसिस्टेंट रहेंगे, इम्प्रूवमेंट की भी गुंजाइश मुझे दिखती नहीं है यहाँ पे। सो महंगा है, यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग करने की सलाह रहेगी बिकॉज बेहतर विकल्प काफ़ी है, अगर आप इस स्पेस में ही अगर इन्वेस्ट करना है तो हाई ग्रोथ के हिसाब से अच्छे विकल्प है, विच इज आई मीन वेक्टर को अवॉइड करना चाहिए। ओके, बेक्टर फूड्स याद रखिएगा, मतलब अगर मैं 3 महीने पहले तक जाऊं तो शायद बेस्ट प्राइस परफॉर्मर था वेस्ट लाइफ, लेकिन अगर आप इस वक्त देखें तो कंपेयर करें तो शायद जुबिलेंट फूड तो बैकफुट पे था ही, बारबेक्यू नेशन बैकफुट पे था ही, बेक्टर फूड्स इस वक्त इस पूरे स्पेस को लीड करता हुआ एट ऑल टाइम हाई। हर्षदा, वो ये अब तक की लीडरशिप वेस्ट लाइफ के हाथ में थी, अब बेक्टर फूड्स सबसे ऊपर, और ये जो पिज़्ज़ा वाला सेगमेंट था, इनफैक्ट हम KFC की मैनेजमेंट से बातचीत कर रहे थे मेरे ख्याल से सफायर फूड की तरफ से, उनका पिज़्ज़ा डिवीज़न अच्छा नहीं कर रहा है, जुबिलेंट फूड बैक फुट पे, बेक्टर फूड और सारी लीडरशिप वेस्ट लाइफ यानी बर्गर अच्छा कर रहा है इस वक्त। ये मुझे लग रहा है ये अनुज और आप जो डाइटिंग पे जाते हो ना बीच बीच में, ये उसका असर है। इसीलिए वो बेचारा जुबिलेंट फूड चलता नहीं है, नहीं तो उसके तो धमाल थे। चार्टर के लिए क्या हो रहा है गावा साहब, यहाँ पर थोड़े से फिसड्डी हो गए काउंटर्स स्पेशली जुबिलेंट फूड। जुबिलेंट फूड नहीं चलता लेकिन यूनाइटेड स्पिरिट्स चल जाता है वीरू के लिए, आज तो अनफॉर्चुनेटली वो भी नहीं चला, कल चल जाएगा। आई थिंक जुबिलेंट फूड लगता है कि लोअर लेवल पे सपोर्ट है लेकिन है वीक, पॉसिबल है कि जब 530-540 चला जाएगा फिर एक स्ट्रेंथ दिखाई देगी, लेकिन फिलहाल लगता है कि थोड़ा वीक है, पॉसिबल है कि थोड़ा डिप मिले 500, लेकिन एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है जुबिलेंट फूड में, शायद वो ब्रिज ना करे। जुबिलेंट फूड में बार बार अटेम्प्ट हुआ, लेकिन सही बताऊं, आई मीन ठीक है बैक्टर फूड्स की तारीफ एक जगह है, पर जुबिलेंट फूड्स ने मल्टीपल अटेम्प्ट लिए और बट सक्सीड नहीं हो पाया, अभी भी 505 पे स्टिल बेस बिल्डिंग के प्रोसेस में है, ये स्टॉक अभी तक इस जोन को बहुत स्ट्रांगली बाइसेक्ट नहीं कर पाया है। चलिए मैं कुछ मोमेंटम पर फोकस करता हूँ, कुछ इंटरडे स्पॉटिंग करने की कोशिश करते हैं। RDC PFC को अब हाथ लगाने में डर लग रहा है, आई मीन फ्रेंकली स्पीकिंग मेरे स्क्रीन पर अभी भी स्ट्रेच आ रहे हैं बट हाथ लगाने में डर लग रहा है। एक बार लेके आइए आप इंट्राडे में दीपक नाइट्राइट की कॉल, 2118 पे ट्रेड करता हुआ। राजेश सतपुते जी, आई मीन एक अगर बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्विंग एक्सपेक्टेशन में एक ट्रेड लेना हो, लुक एट टाटा केमिकल्स, अभी भी डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ। एक बार जरा इसकी किसी कॉल को देखिएगा, 2119 का मेरा स्क्रीन पर भाव है, कोई मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्या इस पर? 2100 की एट द मनी कॉल ट्रेड कर रही है 60-85 पर, आपका व्यू क्या है दीपक नाइट्राइट पर? किरण जी देखिए, हमारा व्यू पॉजिटिव है और मुझे लगता है कि जो हमने पिछले आई थिंक मंडे जो ब्रेकआउट देखा था उसके बाद 3 दिन का जो उथल पुथल हुआ, लेकिन इसका इंपॉर्टेंट लेवल तक 2050 से लेकर 2080 इसका एक कन्फ्लुएंस ऑफ सपोर्ट था, ये इसने मेंटेन किया, तो मुझे लगता है जब तक ये लेवल इंटैक्ट है तब तक घबराने वाली बात नहीं है। रही बात मोमेंटम की, तो देखिए 2050 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा, इनिशियली 2200 के टारगेट होंगे, 2200 के बाद मोमेंटम तेज होगा, तो जो कॉल हमें लेना है वो 2100 का, जो आपने बिल्कुल सही कहा, मैंने भी यहाँ पे ऐड करके रखा है,
तो ये दीपक नाइट्रेट का 2100 का कॉल ऑप्शन 6145 दिख रहा है, यहाँ पे बाय करें। स्टॉप लॉस होगा हमारा करीबन करीबन 40 का, और जो स्विंग ट्रेड हमें लेना है उसका पहला टारगेट बनता है करीबन 100-110 का। इट्स अ बाय इन दीपक नाइट्रेट। दीपक नाइट्राइट एक बाय साइड, इनफैक्ट कई दिनों बाद इन स्टॉक्स में तेजी आई है तो मुझे नहीं लगता इतनी आसानी से रुकेगी। अच्छा चलिए, मार्केट का हाल आपकी स्क्रीन पर, ऊपरी लेवल से थोड़ा थोड़ा फिर से हम अटक रहे हैं, ये आप ध्यान में दीजिएगा, क्योंकि जो 60 पॉइंट ऊपर निफ्टी बैंक था अब सिर्फ 8 पॉइंट ही ऊपर रह गया है, तो ऊपरी लेवल्स पर बार बार मुनाफा वसूली आ रही है, बहुत ही नैरो बैंड में समय मार्केट ट्रेड करता हुआ। लेकिन लेकर आते हैं आपके लिए वो परसों की लिस्टिंग, हुनासा का स्टॉक, हुनासा यानी कि मामा अर्थ, और यहाँ पर देखिए आज वाकई में मम्मी याद आ गई है कई लोगों को, क्योंकि एक तरफा फिर बिकवाली का दबाव बनता दिखाई दिया, इशू प्राइस के नीचे फिसलता हुआ काउंटर, और लोग कह रहे हैं कि बड़े ब्रोकरेजेस अब इसे पसंद करने लगे। अब इसको पढ़ना कैसे है, रिपोर्ट क्या कहती है, जेफरीज वाली, यतिन हमारे साथ हैं, और मार्केट भर में स्टॉक को लेकर क्या चर्चा हो रही है, यतिन बताइए। तो हर्षदा आपने एप्टली पुटअप किया कि बहुत सारे लोगों को मम्मी याद आ गई है, और मामा को लोग मामा भी बोल रहे हैं, तो ये आईपीओ में जिसने पैसा लगाया उनका मामा भी बन गया, ऐसे लोग बाजार में इसका मीम्स बना रहे हैं। लेकिन सीरियस नोट पे जेफरीज ने आज एक इनिशिएटिंग कवरेज रिपोर्ट निकाली है हुनासा कंज्यूमर में, जो मामा अर्थ की पेरेंट कंपनी है, और यहाँ वो खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। उनको लगता है कि 75% आज का जो प्राइस है उससे 75% की अपसाइड इस पर्टिकुलर काउंटर में हो सकती है। क्यों हो सकती है, देखिए लॉजिक समझना होगा, क्योंकि ऑब्वियसली वैल्यूएशन के लिहाज से बहुत सारे लोगों को ये महंगा लगता है, रिटेल इन्वेस्टर्स, एचएनआईज ने, बहुत सारे लोगों ने यहाँ इशू में अप्लाई भी नहीं किया था, तो ये ज़्यादा करके एफआईआई और इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डिंग वाला स्टॉक है। तो यहाँ अगर हम जेफरीज की माने तो इनका जो लॉजिक है वो ये है कि जो ब्रांड पोजिशनिंग है हुनासा की और जो नए लॉन्चेस में इनको सक्सेस मिल रही है वो काबिले तारीफ है। अगर हम उनका टारगेट देखें तो 520 रुपये के टारगेट के साथ वो यहाँ खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। इनको लगता है कि जो नई स्ट्रैटेजी है मैनेजमेंट की कि ऑफलाइन स्टोर्स भी, यानी जो ब्रिक एंड मोटर दुकानें में आपको हुनासा के मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स मिलेंगे, वहाँ से अच्छी खासी ग्रोथ आती हुई दिखाई पड़ेगी। इनफैक्ट इनको लगता है कि जो ग्रोथ है ऑफलाइन स्टोर सेल्स की वो 35% से ज़्यादा की हो सकती है। 25% की सेल्स इनकी नए प्रोडक्ट से आती है जो FMCG सेगमेंट में काफ़ी अच्छी मानी जाती है, और काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स में जैसे इनका एक ऑनियन शैम्पू आता है, बेबी केयर प्रोडक्ट्स आते हैं, तो एक अर्ली मूवर एडवांटेज वहाँ कंपनी को बना हुआ है। और आखिर में वैल्यूएशन पे बात करें तो सितंबर 2025 की अर्निंग्स के हिसाब से, यानी दो ईयर फॉरवर्ड के हिसाब से, स्टॉक सिर्फ 6 EV सेल्स पे अवेलेबल है, जो जेफरीज को लगता है काफ़ी आकर्षक है और यहाँ से अच्छी खासी अपसाइड बन सकती है। इंट्राडे में आज ये स्टॉक 15% तक गिरा था और रिपोर्ट आने के बाद स्टॉक में थोड़ी बहुत तेजी बनी थी, लेकिन हाँ अभी भी 324 रुपये के आईपीओ प्राइस के नीचे ही शेयर आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ता है, आईपीओ प्राइस के नीचे। और ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा टूटा है, मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है यहाँ पर, अब 2% का नुकसान, हमने कई रीसेंट लिस्टिंग्स के उससे भी बुरे हाल होते देखे हैं, लेकिन फियर है कि क्या इसकी भी हालत वैसी हो सकती है। हालांकि जेफरीज कह रहा है एक बढ़िया मौका है खरीदारी करने का, वो जेफरीज की रिपोर्ट हमने आपके सामने पेश की। धर्मेश आपकी राय क्या रहेगी, लिस्टिंग हमने देख ली, कुछ लोग कह रहे थे कि ये जो हाउस ऑफ ब्रांड स्ट्रैटेजी है वो सबसे बड़ा चैलेंज होगा कंपनी को डिलीवर करने के लिए, दूसरी तरफ जेफरीज की रिपोर्ट उस हाउस ऑफ ब्रांड स्ट्रैटेजी को ही दरअसल सबसे ज्यादा तवज्जो भी दे रही है। आप किस तरफ बैठे हैं, तेजी करेंगे या फिर अवॉइड? अवॉइड है और बिल्कुल विपरीत है जेफरीज के रिपोर्ट के हिसाब से। देखिए ईवी वाई सेल्स आप तब यूज करते हैं जब आपको प्रॉफिट मिलते ही नहीं है, सो ये सब वैल्यूएशन मैट्रिक्स वो 2 साल के हिसाब से दे रहे हैं, मतलब समझ के परे है। आप कंपनी को देख रहे हैं, ये 2-3% का मार्जिन पटकी रही है, ऑपरेटिंग मार्जिन की मैं बात कर रही हूँ, और इनके स्टोर्स नहीं होते हैं, ये अपने सामान दूसरे स्टोर्स में रखते हैं ब्रिक एंड मोटर जहाँ पे ये बिकता है, ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, और 400-500 के पीई मल्टीपल पर आप लिस्टिंग कर रहे हैं, ये तो मतलब करना नहीं चाहिए था, पहली बात तो ये है। अब मुझे तो लगता है यहाँ से 50% ये स्टॉक और लुढ़केगा, उसके बाद भी इसके वैल्यूएशन जस्टिफाई नहीं होंगे। मैक्स टू मैक्स ये जो ग्रोथ की बात करें वो 25-30% की बात करें, मैं बोलता हूँ 50% आप ग्रो कर लेते हो टॉपलाइन और 3-4% के मार्जिन के हिसाब से, तो भी ये 125-150 का पीई मल्टीपल बनता है, तो वो जो पेग रेशियो है वो तो कभी जस्टिफाई होता ही नहीं है। कॉन्सेप्ट स्टोर अगर स्टॉक के हिसाब से देखें तो वहाँ भी नहीं बैठता, बिकॉज आपके पास HUL जैसा ब्रांड है जिसके पास लक्ष्मे, तो फिर आप इस पे क्यों बेट लगाएंगे। मुझे तो आने वाले 10 साल में कहीं से प्रॉफिटेबिलिटी और वैल्यूएशन जस्टिफाइड लगती ही नहीं है इसकी।
सो हम लोगों ने तो इसको आईपीओ नोट में मतलब निकाला भी था और रिकमेंड भी नहीं किया था अनऑफिशियली भी किसी को भी कि इसमें इन्वेस्ट करने के लिए। मेरा पर्सनल सेंस है कि यहाँ से ये 50% और गिरेगा। धर्मेश जी तो कह रहे हैं कि अवॉइड कीजिए, अब आप डिसाइड करें आपने लेना है या फिर रुकना है। स्टॉक आपके सामने 2.25% नीचे। अच्छा, ये होनासा की बात हुई, लेकिन दूसरी तरफ एमसीएक्स जिसकी कल खूब पिटाई हुई थी, आज एक बहुत वेलकम रिस्पाइट मिला है उस धुलाई के बाद, 100 रुपए ऊपर, लगभग 6% इंट्राडे में मूव देखने को मिला है। दरअसल नंबर्स के बाद ये कहा गया था कि नए प्लेटफॉर्म पर इनको बड़ी फीस देनी पड़ेगी, कल कॉनकॉल में काफी इस पर क्लैरिटी आई है, अब क्या एग्जैक्टली कहा गया है, यतन हमारे साथ मौजूद है तो उस पर भी एक फटाफट राय हो जाए। तो देखिए, जहाँ तक कि एमसीएक्स का सवाल है, बहुत सारी चीज़ें कॉन्फ्रेंस कॉल पे डिस्कस हुई जिसकी वजह से स्टॉक में तेज़ी बन रही है और ऑब्वियसली स्टॉक में शॉर्ट कवरिंग भी देखने को मिल रही है। सबसे बड़ा रीज़न जो एमसीएक्स का है वो ये है कि मैनेजमेंट ने क्लैरिफिकेशन दिया कि पहला साल ये जो नए सॉफ्टवेयर में होगा टीसीएस का जो प्लेटफॉर्म ये यूज़ कर रहे हैं ट्रेडिंग का, वहाँ किसी प्रकार की फ़ीस इनको के कारण आपको FY25 के नंबर्स में सुधार आता वो दिखाई पड़ेगा। अगर आपको ध्यान है तो 63 मून्स के साथ जो करार किया था वहाँ 125 करोड़ रुपए इनको देने पड़े थे एक क्वार्टर बेसिस पे, क्योंकि एक सर्विसेज एंड सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये टेक्निकल डील हुई थी। हालांकि अगर हम जो लेगेसी इशू है उसको छोड़ दें तो दिसंबर के बाद सेबी अप्रूवल भी दे सकती है नए कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्च करने के लिए। हाल फिलहाल नए कॉन्ट्रैक्ट्स कंपनी लॉन्च नहीं कर पाई है, तो जैसे ही ये प्लेटफॉर्म जो टीसीएस ने प्रोवाइड किया स्टेबलाइज हो जाता है शायद नए कॉन्ट्रैक्ट से अच्छा वॉल्यूम मिले, पहली बात। दूसरी बात के एनुअल बेसिस पे शायद 10 करोड़ से कम इनको फीस देनी पड़े टीसीएस को ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के लिए पूरे के पूरे सॉफ्टवेयर कोर के लिए। तो जो बाजार का एक अनुमान था कि शायद टीसीएस भी ज़्यादा फीस लेगा या ज़्यादा आउटगोइंग आपको मेंटेनेंस एंड ऑपरेशंस में जाएगा, उस प्रकार के जो डाउट्स थे वो क्लियर होते हुए दिखाई पड़े कॉनकॉल में और शायद इसी वजह से स्टॉक में इतनी अच्छी तेजी आपको देखने को मिल रही है। तो एक वेलकम मूव देखने को मिला और कल की बिकवाली से अच्छी रिकवरी देखी जा रही है। गावा सर कोई ट्रेड लेंगे इसमें? एमसीएक्स में यस, एमसीएक्स में लेना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि इसका चार्ट है एमसीएक्स का, उसके साथ लगता है कि अपमूव मिलना चाहिए 2500 स्ट्रांग सपोर्ट जोन में अपमूव मिलेगा, थोड़ा स्ट्रेस लगता है बट ले सकते हैं हम स्ट्रेट ऑन फॉर अराउंड 2700 के लिए, उसको भी एक दो दिन लगेगा, बेस बढ़िया बना है एमसीएक्स में। एमसीएक्स में एक अच्छा खासा बेस, वहां पर एक मोमेंटम देखने को मिला। अच्छा, मोमेंटम की बात करें तो एक बार नजर डालिएगा आप ये जीएमआर रिपोर्ट पर, जहां पर थोड़ी सी तेजी बनती दिखाई दे रही है। छोटू टिकट साइज का स्टॉक है, लेकिन हाँ जब एक्शन आता है तो जोर दिखता है। शिल्पा, कोई ट्रेड लाइक सिचुएशन है क्या इसमें जीएमआर रिपोर्ट? जी, जेएमआर को एक्चुअली दिवाली पिक में भी हमने यहाँ पे प्रभुदास सिंगराज हमें रेकमेंड किया था 54 लेवल से, तो 58 टारगेट्स ऑफ 62-63 इसमें बहुत लाइटली अचीवेबल है। यहाँ पे 59 जोन्स पे एक थोड़ा सा आपको रेजिस्टेंस मिल सकता है, लेकिन उसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो आपको बहुत इजीली टुवर्ड 63-64-67 के भी लेवल्स हैं। तो जीएमआर में बहुत अच्छा सेटअप है, अभी सपोर्ट यहाँ पे फ्रेश बन गया है 54 पे, तो आप 54 के स्टॉप लॉस से यहाँ पे लॉन्ग बने रह सकते हैं। ओके, बाजार में स्विंग काफ़ी कम है और ये हफ्ता एज फार एज इंडेक्स इज कंसर्न, जहाँ तक इंडेक्स का सवाल है और इवन दिग्गज स्टॉक फ्यूचर्स ऑप्शन राइटर्स के ग्रिप में है। हालांकि मेरे को टाइटन को देख के थोड़ी सी आई थिंक मैं अनकंफर्टेबल सा हूँ कि इसने गिरने के लिए भी आज दिन यही चुना। डे लो पर आके 3231 पर ट्रेड करता हुआ इस वक्त टाइटन। कोटक महिंद्रा बैंक ये स्टॉक एक बार लेके आइएगा स्क्रीन पे, जरा मेरे स्क्रीन पे इसके ऑप्शंस जो हैं वो काफ़ी तेज़ी से चलते हुए एट 1736.70, दैट मीन्स यहाँ पर भी अगेन राइटर्स हावी होते हुए। एक बार लेके आइए अब आप ICICI बैंक। पिछले कुछ मिनटों में थोड़ा सा प्रेशर जो बैंक निफ्टी में आया है ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि क्रिएट हुआ है ICICI बैंक की वजह से। हाँ, हायर लेवल से ये भी रिट्रेस हो गया। मानस, ICICI बैंक पे आपका टेक क्या है? सुबह शुरुआत काफ़ी अच्छी खासी हुई थी, 20 डे मार्क के ऊपर फ्लोट करना शुरू कर रहा था, कोई टेक आपका ICICI बैंक पे इस वक्त? देखिए, कंसोलिडेशन दिख रहा है, यहाँ पर कोई ट्रेंड तो नहीं बनता है, लेकिन क्योंकि 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है और ऊपर की तरफ 945 पे 100 डे और 50 डे मूविंग एवरेज है, आई थिंक इस रेंज के बाहर निकलना जरूरी है, उसके बाद ही कोई ट्रेड लेना चाहिए। लेकिन आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 200 डे मूविंग एवरेज जो कि 925 रुपए उसके नीचे स्टॉप लॉस लगा के आप होल्ड कर सकते हैं।
फ्रेश खरीदारी 945 रुपए के ऊपर करेंगे। तो ये फिलहाल आपके लिए पर्सपेक्टिव बनता हुआ। अच्छा, मुझे लगा वीरू आप टाइटन पे राय पूछ ही लेंगे, क्योंकि टाइटन अकेला नहीं है जहां पर गिरावट देखने को मिली। आज सेनको गोल्ड अच्छे नंबर्स पर भी टूट गया, तो किसी कारण ये स्टॉक्स नहीं चल रहे हैं। होपफुली शाम को लोग कुछ सोना खरीदने जा रहे हैं। शिल्पा, कुछ प्लान है क्या, धनतेरस की शॉपिंग करती है आप नॉर्मली? जी बिल्कुल करते हैं, लेकिन यहाँ पे टाइटन की अगर बात ही कर रहे हैं तो टाइटन आज सेल हमने दिया हुआ है 3258 से फ्यूचर्स में, तो ऑलरेडी 3240 है। तो यहाँ पे मुझे लगता है टाइटन का सेटअप थोड़ा वीक है। यहाँ पे 3300 के स्टॉप लॉस से ये सेल में ही है फ्यूचर लेवल्स पे, तो यहाँ पे आप 3200 3170 के भी लेवल्स देख सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सेल रिकमेंडेशन है टाइटन में, आप यहाँ पे थोड़ा कॉशियस होंगे। सेल रिकमेंडेशन है तो शायद शॉर्ट करके यहाँ पर पैसा बनेगा, जिससे आगे आप आज शाम की धनतेरस की शॉपिंग कर सकते हैं। राजेश जी, ऐसा कोई प्लान है क्या आपका आज? हर्षदा जी नहीं, लेकिन होगा आगे जाके। घर से मेमो नहीं मिला अभी तक? घर से मेमो नहीं मिला? मेमो नहीं मिला अभी तक तो नहीं मिला हर्षदा जी, लेकिन हाँ दिवाली है तो ऑब्वियसली, क्योंकि कल और परसों छुट्टी है, तो अभी वाइफ वही बोल रही थी कि छुट्टी है तो हमें बाहर घूमना है। मैं बोला चलो ठीक है भाई, जहाँ जाना है। तो अभी पता नहीं टाइटन लेके जाएगी, कहाँ लेके जाएगी। नहीं, अब तो पुणे में तो कई सारे विकल्प हैं जाने के लिए। इनफैक्ट आजकल तो कई सारे विकल्प कई और जगह है। अच्छा, अगर आप लोग पता नहीं धनतेरस पर रवीरू लोग गाड़ियां खरीदते हैं कि नहीं? हाँ, धनतेरस पर गाड़ियां खरीदते हैं। गाड़ियां बहुत बिक, मतलब यहाँ पे तो काफी रश था। गोल्ड और गाड़ियां दो ही चीज तो एक होती हैं यहाँ पर, गोल्ड और गाड़ियां। चलिए, तो इसी मोड पर गाड़ियों का ही एक चेक ले लिया जाए। पर इस हाँ। पता है हर्षदा, इस धनतेरस पे अगर आपको गाड़ी लेनी होती तो आपको कम से कम नहीं तो वो बुक करानी होती होली पर, क्योंकि हर गाड़ी की 6-7-8 महीने की तो वेटिंग चल रही है। तो आज उन्हीं को मिलेगी। अनलेस आपके पास उतनी पेशेंस है और आप 6-7 महीने और रुक जाएं और आज बुकिंग कराने जाएं। चलिए, तो पूछ लेते हैं लैंडमार्क कार्स, जो एक बड़ी कार बिक्री कंपनी है, उनके लिए ये धनतेरस कैसा उभर कर आ रहा है, और लार्जली दशहरे के आसपास भी लोग काफी बुक कराते हैं गाड़ियां। वैसे अगर आप इनके नंबर्स देखें तो कंपनी के मुनाफा 22% बढ़ा जरूर है, लेकिन रेवेन्यू पर थोड़ा सा प्रेशर आया, मार्जिन भी दबाव में थे। तो क्या सिचुएशन है ऑन ग्राउंड, उस पर भी एक स्टेटस चेक ले लेते हैं। कंपनी के प्रमोटर और एग्जीक्यूटिव चेयरमैन संजय ठक्कर हमारे साथ है। ठक्कर साहब, स्वागत है आपका, बताइए दिवाली में क्या फील फ्लेवर? दिवाली जैसे आपने बताया, ये कई महीनों से 1-2 साल से चल रही है, सो ये दिवाली तो एक ही इज जस्ट वन ऑफ द डेज। ये फेस्टिव सीजन फॉर ऑटो इंडस्ट्री तो 1.5-2 साल से चालू है, सो दिस इज समथिंग विच वी आर सीइंग। और ये मुझे लगता है कि इंडिया एक नई ट्रेजेक्टरी में जा रहा है अभी, सो इट इज अ मैटर ऑफ टाइम कि ये नंबर्स अभी इतने डिस्टेंट लगेंगे कि अभी ये 4 मिलियन गाड़ी हम देश में बेच रहे हैं, ये कभी 6 मिलियन हो जाएगी 4-5 साल में। सो ये तो पूरे ये सोच का बदलाव है विच हैज हैपेंड, एंड वी आर इन अ वेरी गुड जोन एंड ट्रेजेक्टरी। That's good to hear. अच्छा, ये बताइए फिर जो इस समय की डिमांड है, क्योंकि आपने कहा it's just another day, पूरे साल अच्छी गाड़ियों की बिक्री रही है, लेकिन किस कैटेगरी की गाड़ियों में ज्यादा बिक्री देखने को मिली है? क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स कह रही थी कि वो के शेप में भी एक बड़ा के बन रहा है, जहां पर ज्यादा हाई एंड, ज्यादा प्रीमियम महंगी गाड़ियां बिक रही है, वो अभी भी कंटिन्यू कर रहा है? हाँ जी हर्षिता जी, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग। ये पूरा प्रीमियमाइजेशन हो रहा है देश का, तो लोग वो छोटी गाड़ी जो इतनी कंफर्टेबल नहीं है, जो इतनी सेफ नहीं है, वो गाड़ी ज़्यादा नहीं पसंद करते हैं। SUVs लोग ले रहे हैं, ज़्यादा फीचर रिच गाड़ियाँ ले रहे हैं, एंड हम मर्सिडीज बेंज के फॉर एग्जांपल सबसे बड़े डीलर हैं इंडिया के, तो विद इन मर्सिडीज बेंज भी जो गाड़ियाँ बिक रही है वो टॉप एंड व्हीकल्स ज़्यादा बिकना चालू हो गई है। एस क्लास, GLS, MyBach जो बोलते हैं, जो पहले बहुत ही कम नंबर्स में सेल हुआ करता था, ये इट इज नाउ उसी का सबसे ज्यादा वेटिंग पीरियड है। तो जो होली और दिवाली की बात करी, वो होली वाले लोग आज वो डिलीवरी लेने आए हैं। बिल्कुल, इस चीज का संजय जी मेरे को अंदाजा है, मैं इसलिए बता रहा था आपको। मैं खैर, मैं अभी सिर्फ आपके अगर मैं क्रीमी लेयर तक रहूं, अगर मैं मर्सिडीज बेंज की बात करूं या फिर जीप की बात करूं,
यहाँ पे टिक्स कैसे रहे इस क्वार्टर में, क्योंकि कुछ दिन ऐसे भी होते हैं जहाँ पे शॉपिंग नहीं होती है, इस जैसे आई मीन श्राद्ध थे, यहाँ पे टिक्स कैसे रहे, यहाँ पर इन दोनों आई मीन सेगमेंट में सेल्स ग्रोथ कैसी रही है, स्पेशली क्रीमी लेयर? नहीं, क्रीमी लेयर्स में सेल्स बढ़िया है, इनफैक्ट हर महीना एक नया लैंडमार्क महीना होता है, हम पिछले महीने से ज्यादा गाड़ियां बेचते हैं, नए कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं, मर्सिडीज बेंज की खास तौर बात करें तो ये नंबर्स बढ़ते ही जा रहे हैं। एंड एक आपको जान के शायद ताजुब होगा कि इंडिया में जो टोटल लग्जरी कार सेगमेंट है वो सिर्फ 40,000 गाड़ी, ये जो लास्ट ईयर हमारे पास नंबर थे 40,000 से भी कम गाड़ियाँ लग्जरी कार्स थी, और दैट इज ओनली 1% और लेस देन 1% ऑफ द ओवरऑल जो हम 4 मिलियन कार्स बेचते हैं उसका सिर्फ 1% ये है। नाउ हर एक कंट्री में ये 5-10% नंबर होता है, सो अगर आप के शेप की रिकवरी करें तो हमें ये के में काफी अभी जर्नी कवर करनी बाकी है, और मैं मेरा पूरा कॉन्फिडेंस है कि अगले 3-5 साल बहुत ही स्ट्रॉन्ग जाएंगे ये सेगमेंट के लिए। ओके संजय जी, ये मेंटेनेंस और सर्विस रेवेन्यूज इस क्वार्टर में कैसे रहे और यहाँ पे आप कैसी ग्रोथ देख रहे हैं अगले कुछ क्वार्टर्स में? हाँ जी, तो ये हमारा ये बैकबोन है हमारे बिजनेस का, और हमने ये क्वार्टर में अप्रोक्सीमेटली 40 करोड़ एबिट्टा सिर्फ ये सेगमेंट से निकाला है, विच इज अ हाईएस्ट एवर, और ये 30% ग्रोथ हुआ है ईयर ऑन ईयर। सो ये एक आफ्टर सेल्स का बिजनेस है, वो एक एन्युइटी टाइप का बिजनेस है, वो एक ग्रोइंग बिजनेस है, वो लास्ट 9 साल का अगर आप रिकॉर्ड देखो तो वो हम 20% CAGR से ये ग्रो करते आ रहे हैं, और ये ही सिलसिला जारी रहा तो ये देर आर ओनली फ्यू बिजनेसेस जो मैं कई लोगों को ये बोलता हूँ कि ये देर आर ओनली फ्यू बिजनेसेस जो आप एक्सेल शीट पे प्लॉट कर सकते हो और फिर वही फाइनल नतीजा निकलता है। सो ये उस तरह का एक बिजनेस है जो आप एक्सेल शीट में प्लॉट करो एंड एक CAGR की एक लाइन आप लगाए, देन वो बिजनेस बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जाएगा। सो दैट इज अ ग्रेट बिजनेस एंड वी आर वेरी हैप्पी। जो पर कार हम रेवेन्यू ट्रैक करते हैं वो भी हमारा 15% बढ़ा है, फॉर एवरी कार दैट वी रिपेयर लैंडमार्क का रेवेन्यू अभी ये 26,000 रुपया हो गया है। सो इट्स गुड सिचुएशन टू बी इन। सानी जी, फिर उस लिहाज से अर्निंग्स का की विजिबिलिटी क्या है, क्योंकि इस क्वार्टर हम देख रहे हैं आपके मुनाफे में ग्रोथ देखने को मिली है, बट इट्स नॉट रियली डन एज वेल एज परहैप्स जो आपकी कमेंट्री है रेवेन्यू और एबिट्टा फ्रंट पर, और मार्जिन्स हैव बीन स्टेडी, तो वो क्या है दैट्स होल्डिंग द नंबर्स बैक? सप्लाई, द वन आंसर इज सप्लाई। जो हमारा फर्स्ट क्वार्टर था इस साल का वाज नॉट द बेस्ट ऑफ क्वार्टर्स, और उस क्वार्टर में भाई इवन इन द लास्ट क्वार्टर दैट वी रिपोर्टेड, हम जो ब्रांड्स के सबसे बड़े डीलर्स हैं उनके सप्लाई सिचुएशन में देर वॉज एन इश्यू। लाइक होंडा की जो SUV आई जिसकी डिलीवरी एलिवेट, होंडा एलिवेट जिसकी डिलीवरी ओनली सितंबर से चालू हुई, तो लास्ट क्वार्टर में हमने उसके नंबर खाली 1 महीना देखे, इनफैक्ट पूरे लास्ट 6 महीने में वो गाड़ी ही नहीं थी हमारे पास। मर्सिडीज बेंज की बात करें तो GLC विच इज द ग्लोबल बेस्ट सेलिंग मॉडल, तो वो फॉर द फर्स्ट 4 मंथ्स ऑफ द 6 मंथ्स वी डिड नॉट हैव दैट सप्लाई। GLE जो अनदर वेरी फास्ट मूविंग प्रोडक्ट ऑफ मर्सिडीज बेंज, वो अभी 15 दिन पहले ही लॉन्च हुई है, सो ये प्रिडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल है कि ये क्वार्टर में क्या होगा सेल्स में या अगले क्वार्टर में क्या होगा। ये डिमांड जरूर है, सप्लाई इज अ चैलेंज, एंड सप्लाई अनफॉर्चुनेटली इस जोन में होने के कारण सेल्स हमारा लंपी रहेगा, आफ्टर सेल्स बिजनेस प्रिडिक्टेबल रहेगा, दैट्स हाउ द बिजनेस इज गोइंग टू बी। ओके, अच्छा संजय जी मेरे को बताइए कि एलिवेट्स की बिक्री कैसी जा रही है? अच्छा एक और चीज़ है, क्योंकि आप फंसे भी कुछ ऐसे दिन हैं हमारे साथ कि आपसे बात करने में मज़ा आ रहा है, ये बताइए ये गाड़ियों के, क्योंकि आप M&M स्कॉर्पियो भी बेचते हैं सर, डीलरशिप आपके पास उसकी भी है, ये 12-12 महीने 8-8 महीने के वेटिंग पीरियड, ये वेटिंग पीरियड इतना बढ़ क्यों चला है, क्या कारण है? आई मीन ठीक है जब वॉर थी उस वक्त समझ में आ रहा था,
कुछ चिप्स के इश्यूज थे, पर एग्जैक्टली अभी कारण क्या है? हाँ जी, तो पहले तो मैं ये बता दूं कि महिंद्रा के हमारे स्टोर खुलेंगे अगले क्वार्टर में, हमने उनसे LOI जरूर साइन करी है, हमारे शोरूम और वर्कशॉप का काम चालू है इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, हावड़ा कलकत्ता लोकेशंस पे हमने अभी चालू नहीं करी है महिंद्रा की बिक्री, वो करेंगे। बट टू आंसर योर मेन क्वेश्चन कि ये वेटिंग पीरियड क्यों है, कई लोगों को ऐसे लगा था कि ये जो लास्ट ईयर का ग्रोथ है वो एक पेंटअप डिमांड है, ये कोविड के बाद का एक वो एक अरसा है जहां लोग अब 2 साल तक गाड़ी खरीद नहीं पाए थे तो अभी खरीद रहे हैं। नाउ वो इनकरेक्ट अजम्पशन था, द पॉइंट इज दैट देयर इज अ स्ट्रक्चरल चेंज, लोग गाड़ी खरीदना चाहते हैं, एक वो एक पर्सनल मोबिलिटी की एक जो ख्वाहिश है वो लोग पूरी करना चाह रहे हैं, ये अभी शेयर्ड मोबिलिटी बिकॉज ऑफ कोविड वो एक एज अ कॉन्सेप्ट जो था वो पूरा लोगों ने खिड़की के बाहर फेंक दिया। सो द कार ओनरशिप इन इंडिया इज सो लो, आज सिर्फ 2.25% लोग इन इंडिया कार ओन करते हैं, सो इसमें हेडरूम काफी है। अभी यही चीज मैन्युफैक्चरर्स ने इतना सोचा नहीं था कि इस तरह से डिमांड आएगी, तो उन्होंने इतना प्लान नहीं किया था खास ये लग्जरी कार के की डिमांड के लिए। सो उनको जो किट्स ऑर्डर करनी पड़ती है ग्लोबली, कई चीजें इम्पोर्ट करनी पड़ती है, तो वो उन्होंने इतना समझा नहीं था कि इतनी जोरों से डिमांड आ जाएगी, दैट्स द रीजन। बट बाकी रेगुलर कार्स की बात करें तो देर आर सर्टन मॉडल्स विच आर नाउ अवेलेबल ऑफ द शेल्फ, ये 7-8 महीने की वेटिंग नहीं है, आई वुड से दैट द रीजनेबल पीरियड इज अराउंड 2 months, 1.5 months। ओके संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, अर्निंग से बातचीत करी, और एक बार फिर से आपको धनतेरस की दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट क्वार्टर सर, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जर्नी विद महिंद्रा, आप लोगों का जो सफर महिंद्रा के साथ शुरू हो रहा है उसके लिए भी आपको बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग सर, बहुत बहुत शुक्रिया। इंडेक्स वहीं पर है हर्षता जहाँ इसे छोड़ के गए थे 19386, कुछ आप हुनर दिखाइए, चलाइए। अब चलाना होता तो हमारे सारे इतने महारथी बैठे हैं, सब चला चुके होते वीरू, वो हो नहीं रहा है आज, मुझे लग रहा है सब लोग एकदम दिवाली मूड में आ गए हैं, या फिर उन सबको राजेश जी जैसे मेमो मिल गया है कि भाई साहब हो गई ट्रेडिंग अब चलिए, बिल्कुल है ना। मानस जी आपने लिया गोल्ड? मानस जी गोल्ड लिया? नहीं अभी नहीं, वीरेन जी वो उस पर हमारा काम नहीं है, बस कार्ड देना काम है, वो कार्ड चले गए। धर्मेश जी मैं तो कल रात बुक करा दिया था 2 किलो, तो वो सुबह ही सुबह आ गया, तो अपना काम तो हो गया था। प्रकाश सर आपका? बिल्कुल 100% नो, 100% नो, मैं मुझे पैसे की जरूरत होती है मैं मांगता हूँ, मैं कहाँ से पैसे दूंगा, सवाल ही नहीं उठता। ओके चलिए अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा इंडेक्स पे आते हैं एक बार फिर से, स्टॉक्स पे आके बातचीत करनी शुरू करते हैं। देखिए 4 का 4 का क्रम शुरू करेंगे कुछ देर में, और 4 का 4 में 4 ट्रेड्स जो आएंगे जिनका क्रम है वो आपके स्क्रीन पर रखता हूँ। दैट्स सस्ता ऑप्शन शिल्पा जी के सौजन्य से आएगा, FNO सुपरस्टार आज राजेश सतपुते जी देंगे, चार्ट का चमत्कार मानस जायसवाल, और मिड कैप फंड आज धर्मेश कांत जी के सौजन्य से आएगा। एक काम करते हैं ट्रेड्स ले ही लेते हैं क्योंकि ट्रेड्स का अभाव है इस वक्त। शिल्पा जी सस्ता ऑप्शन क्या पिक करेंगे आप? सस्ता ऑप्शन रहेगा DLF में, जिसको आपने भी आइडेंटिफाई ऑलरेडी कर ही दिया है, तो यहाँ पे DLF का सेटअप एक्चुअली बहुत स्ट्रॉन्ग है, 600 पे बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया है, तो यहाँ पे 625-630 के आपको नेक्स्ट लेवल्स आते हुए दिखेंगे। तो DLF का जो 610 का जो कॉल ऑप्शन है जो रफली अभी 11.5-12 रुपए के बीच ट्रेड करा, आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए, स्टॉप लॉस अब 8 रुपए का मेंटेन कीजिए, टारगेट सब 19 से लेके 22 तक आपको आते हुए मिलेंगे। ओके सस्ता ऑप्शन हो गया DLF का 610 का कॉल ऑप्शन जिस पर आपको नजर रखनी है, स्ट्रॉन्ग मूव DLF, DLF डेकेड हाई पे है याद रखिएगा ट्रेड करता हुआ। राजेश सतपुते जी आपका FNO सुपरस्टार? वीरेन जी PFC के बाद मुझे REC अच्छा लग रहा था, लेकिन आप बोलोगे कि दो दे दिए, तो चलो कोई नया ढूंढ रहा था मैं, तो मुझे टाटा कंज्यूमर अच्छा लग रहा है। टाटा कंज्यूमर में देखिए यहाँ पे मोमेंटम प्ले मिल रहा है, स्विंग ट्रेड हम यहाँ पे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, तो 910 के ऊपर टाटा कंज्यूमर में एक स्विंग मिलेगा,
जो करीबन 925 से लेकर 930 तक जाएगा। तो इट्स अ बाय इन टाटा कंज्यूमर, आपका स्टॉप लॉस होगा 906 का। ओके, तो ये टाटा कंज्यूमर में एक मोमेंटम लौट रहा है, 1% की तेजी और स्टॉप लॉस 906 का लगाएं और तेजी करें स्टॉक में। मानस, आपका चार्ट का चमत्कार। देखिए राजेश जी ने मेरे लिए आरईसी छोड़ दिया है, तो फिर उसी को कवर कर लेते हैं। आरईसी में करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी है, पीएससी बहुत बढ़िया लग रहा है और आरईसी में भी काफी स्ट्रेंथ लग रही है, फ्रेश ब्रेकआउट है, तो 319 रुपए के स्टॉप लॉस से आरईसी में खरीदारी करिए। 335 रुपए तक के टारगेट पॉसिबल है। 325 वाला कॉल ऑप्शन जो 6.50 रुपए पे ट्रेड हो रहा है वहां पर खरीदारी करिए, 4.90 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और इस ऑप्शन में 10 रुपए के टारगेट सेट करिए। ओके, तो आरईसी में एक अपॉर्चुनिटी राजेश जी आपने छोड़ी तो मानस ने ले ली। धर्मेश कांत बताइए आपका मिड कैप फंड। फाइनेंशियल स्पेस से रहेगा, पुणे वाला फिनकॉर्प बाई करने की सलाह रहेगी, ये कंपनी के नतीजे काफी अच्छे रहे थे। आज तो 2-3 दिन पहले इसमें एक तेजी भी देखने को मिली थी, आज थोड़ा रेस्ट कर रहा है, बट मुझे लगता है कि अगर एक साल का नजरिया हो तो 450 के आसपास का इसका टारगेट प्राइस निकल के आता है। फंडामेंटल्स काफी स्ट्रॉन्ग है, एनपीए रेशियोज काफी बिनाइन है और काफी अच्छी एसेट क्वालिटी में परिवर्तन भी देखने को मिला। नेट एनपीए 0.72% है। एयूएम ग्रोथ अगर क्वार्टर क्वार्टर की बात करें तो 13-14% के आसपास का रनरेट है, जो कि पिछले 4-5 क्वार्टर से चलता आ रहा है। मुझे ऐसा है कि आने वाले 1-2 साल में भी यही रनरेट मेंटेन रहेगा। तो डीप वैल्यू बाई है, थोड़ा अल्फा स्टॉक रहता है, मतलब गिरावट में थोड़ी गिरती भी तेजी से, तो वहां पर खरीदारी करने की सलाह देगी। स्टैगर्ड बाइंग अप्रोच रखे, 340 से 380 के बीच में इंप्रूवमेंट करने की सलाह है और टारगेट वही 450 का रहेगा। इसमें पूना वाला फिनकॉर्प मिड कैप फंडा के तौर पर आया। चलिए मैं आपके लिए सारे वो ट्रेड रिकैप कर रही हूँ। शुरुआत हमने डीएलएफ के साथ की, सस्ता ऑप्शन। डीएलएफ का कॉल जो 610 वाला है, ये सुझाया शिल्पा ने, 12 रुपए पर है। आगे इनका टारगेट करीब 19 और फिर 22 के लेवल दिखा सकता है, 8 का स्टॉप लॉस लगाइएगा। राजेश सातपुते ने टाटा कंज्यूमर पर एक व्यू दिया है तेजी वाला, 925 के लिए एक मौका, आगे 930 तक जाने की पूरी संभावना, स्टॉक है 1% ऊपर। मानस ने पिक किया आरईसी, जहां पर टारगेट 335 का आ रहा है, और धर्मेश कांत का जो ट्रेड है वो है पूना वाला फिनकॉर्प, और ये काउंटर भी आज इस समय हल्के मोमेंटम में करीब करीब 1% तक की तेजी यहां पर बनती दिखाई दे रही है। चलिए मार्केट का हाल वही है, ज्यादा कुछ बदलाव नहीं, और वीरू कह तो रही हैं कि उन्होंने 2 किलो सोना डिलीवर करा लिया, तो बाकी लोगों के पास बचा है कुछ खरीदने के लिए या नहीं, दीपाली नंदा से पूछ लेते हैं। दीपाली नंदा दरअसल दिल्ली का एक जायजा ले रही है कि किस तरह का एक्शन बनता दिखाई दिया है। दीपाली, वीरू ने तो अच्छा खासा क्वांटम में कह रहे हैं कि सोना उनके घर डिलीवर हो गया, बताइए बाकी दुकानों में लोगों के पास मौका मिल रहा है अच्छी खरीदारी करने का या नहीं। देखिए वीरू सर ने गोल्ड ऑर्डर किया है, लेकिन मैं चांदी की तरफ आपको लेकर जाऊंगी कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले ये जो आप चेयर देख रहे हैं, अगर आप कुछ डिफरेंट इस धनतेरस पर करना चाहते हैं और आपके घर में कोई किंग साइज चेयर की जरूरत है तो आप ये ऑप्शन भी वीरू सर को दे सकते हैं। इस पे 8 से 10 किलो चांदी लगाई गई है और इसकी कीमत की बात करें तो ये करीब करीब 9 से 10 लाख है, तो एक ये ऑप्शन है। और उसके अलावा मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब भी चांदी की बात होती है तो हम सोचते हैं कि सिर्फ चांदी का सिक्का ले लेंगे या फिर चांदी के बर्तन ले लेंगे, लेकिन जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ यहाँ पर आपको चांदी की ढेरों वैरायटी मिल जाएगी अलग अलग सेक्शन में, और आप देख सकते हैं यहाँ पर अच्छी खासी भीड़ भी दिखाई दे रही है। इधर आप देखेंगे चांदी के बर्तन है, और जो मुझे सबसे अच्छा कॉर्नर लगा हर्षिता जी वो ये कॉर्नर, जो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको भी पसंद आएगा, कि किस तरह से सिल्वर के साथ इस बार एक्सपेरिमेंट किया गया है लाइट वेट ज्वेलरी को लेकर, चाहे पायल की बात करें या फिर कड़े की बात करें या फिर माथा पट्टी की बात करें, और आप देख सकते हैं यहाँ पर चांदी के कितने अच्छे सेट्स भी बनाए गए हैं। तो किस तरह से अब चांदी के सेगमेंट को लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं उसकी झलक मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ। सिर्फ चांदी के सिक्के ही नहीं, बल्कि अगर आप शगुन के तौर पर अगर आप कोई ऐसी चीज लेना चाहते हैं जो आप इस्तेमाल भी कर सके तो उसकी यहाँ पर अच्छी ऑप्शंस इस बार धनतेरस के मौके पर दिखाई दे रही है। बहुत बढ़िया ऑप्शन उभर कर आ रहा है। वीरू आपके लिए बुक करा ले वो चांदी वाली कुर्सी, नए स्टूडियो में खूब जचेगी, उस पर आप विराजमान रहना। मैंने लिया था 2 किलो अमूल गोल्ड जो दूध होता है ना, वो रात को बुक कराया था, वो सुबह सुबह आया था। आपने कहा 2 किलो, अब 2 किलो सोना आएगा अमूल
अब देखना, अब शाम को जब आप घर जाएंगे ना, बोलेंगे कहाँ गया वो 2 किलो सोना जो आप कह रहे थे स्टूडियो में। अब तो पब्लिक नहीं, वो एक और विकल्प होता है, अमूल गोल्ड, प्रिया गोल्ड, सब कुछ है। अमूल गोल्ड, प्रिया गोल्ड, सब कुछ है वहाँ पे। खैर, ये जोक बहुत फ्लोट कर रहा है आजकल सोशल मीडिया पे और इंस्टाग्राम पे। लेकिन उसका जवाब आपको अच्छा मिला, दीपाली कह रही है, कह रही है तुरंत की कुर्सी भी ले लीजिए, आप ही के नाम, आप ही का नाम लिखा हुआ है उस पर। वैसे दीपाली है कहाँ पर आप इस वक्त, कहाँ पर है, कौन से शोरूम में? देखिए, इस वक्त मैं दिल्ली के करोल बाग में पीपी ज्वेलर्स पर हूँ, और आपको मैं एक और यहाँ का जो अलग अलग सेक्शन है वो दिखाऊंगी। आप नीचे देखेंगे ना, ये पूरा सेक्शन गोल्ड का है, जितनी भी गोल्ड ज्वेलरी है, कॉइन्स है, अगर आप वो खरीदना चाहते हैं वीरू सर, तो ये ऑप्शन भी अभी भी आपके पास है। लेकिन चांदी के जो ऑप्शन है, जिस तरह से हर्षदा मैम भी बता रही थी कि जो चेयर है बिल्कुल फिट है, चेक एकदम बढ़िया है। अब ये चेक करा लीजिएगा दीपाली की, एक्चुअली उसको किसने बुक कराया, वो भी अगर उनसे मुलाकात हो जाए तो वो भी काफी इंटरेस्टिंग टेलीविजन हो जाएगा। चलिए केतन को भी जोड़ लेते हैं। अहमदाबाद के मार्केट्स भी एकदम पूरी तरह से गुलजार है। हाँ, आप कुछ कह रही है दीपाली? बिल्कुल, मैं कह रही हूँ कि ये ऑप्शन वीरू सर के पास है और आपके साथ स्टूडियो में इस वक्त वो मौजूद है। वो तो है, वीरू को हम कन्विंस करा लेंगे शाम तक, वो बुक हो जाएगी एकदम। केतन जी, ऐसा कोई खास तोहफा जो आप वीरू के लिए भेज सकते हैं आज उस शोरूम से जहां पर आप हैं मौजूद? बिल्कुल बिल्कुल वीरू भाई, आपको आना पड़ेगा अहमदाबाद वो तोहफे के लिए। और सोने चांदी की तो हर कोई खरीदारी करता है, लेकिन सबसे पहले मैं अपने कैमरामैन को बोलूंगा कि ग्राहकों को यहां पर दिखा दे, उसके बाद क्या खास है वीरू भाई के लिए और यहां क्या खरीदारी हो रही है उसके ऊपर भी ग्राहकों का ओपिनियन लेंगे, मैनेजर का ओपिनियन लेंगे। तो अभी यहां पर जमकर खरीदारी हो रही है, लंच ब्रेक है, लेकिन फिर भी फैमिली के साथ लोग खरीदारी करने आ रहे हैं। तो मैडम, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, आप कैमरा के सामने आ जाइए, आप यहां पर क्या खरीदारी कर रही है, सोना चांदी या और कुछ, सामने देखिए। एक्चुअली मैं अभी लेब्रोन खरीदने आई हूँ, यहाँ पे लेब्रोन डायमंड, जहाँ पे जो मेरे बजट के फ्रेंडली है, एंड जो कलेक्शन है यहाँ का वो माइंड ब्लोइंग है। जो इस कलेक्शन में मुझे चाहिए है, जो रियल डायमंड है, एज इट इज मैं लेब्रोन डायमंड में खरीद पा रही हूँ। तो मुझे यहाँ का कलेक्शन है, फिर जो बजट फ्रेंडली है, वो सबसे बेहतरीन बात है यहाँ की। अच्छा मैडम, आप बताइए, आप सोना चांदी और क्या लेकर, थोड़ा सामने देख कर बताइए, थोड़ा इस तरफ आ जाइए, बाहर आ जाइए। अच्छा ये बताइए, आज आपने यहाँ से क्या खरीदा? सर, मैंने यहाँ से आज सोना खरीदा है, जैसे कि इयररिंग्स हैं, रिंग्स है, वो सब। यहाँ का इको फ्रेंडली जो मुझे लगा, जो सारे लोग जो हैं वो पूरे मेंबर्स की तरह हैं, और यहाँ पे कैसा है कि घर जैसा है बिल्कुल भी, बजट में भी ऐसा नहीं है कि चलो लूट लिया, ऐसा भी नहीं। सबको जैसा भी अच्छा लगे वैसा वो दिखाते भी हैं, और भाव में भी वो लोग बहुत फर्क भी रखते हैं। देखिए, गुजरात से परंपरा शुरू होती है सोने चांदी और इस बार डायमंड, तो ज्वेल प्लस के मैनेजर अमर भाई से पूछते हैं, ये डायमंड का क्या सीन है, इस बार लोग डायमंड के ऊपर भी थोड़ा फोकस कर रहे हैं? यस डेफिनेटली, मतलब डायमंड में भी काफी फोकस हो रहा है, और डायमंड में हमने एक नया कैटेगरी जो लॉन्च किया हुआ है, लैब ग्रोन डायमंड ज्वेलरी, जो एकदम एक्सक्लूसिव कलेक्शन के साथ हम लोग लेके। बोलिए, स्टॉप कर रहे हैं। बिल्कुल, तो ये क्यों लोग खरीदारी कर रहे हैं सोना चांदी छोड़कर, ये ऑप्शन है जो रियल डायमंड के मुकाबले क्या सस्ता है? रियल डायमंड के मुकाबले बहुत ही सस्ता है, मतलब हाफ द प्राइस आप गिन सकते हो एवरेज में। लेकिन इसमें जो और भी खासियत है, इसकी जो डिजाइन है वो बहुत ही एक्सक्लूसिव डिजाइन हमने बनाई है, और ग्राहकों को बहुत ही पसंद आ रहा है, क्योंकि उनके बजट फ्रेंडली भी आ रहा है और डिजाइन भी उनको जो चाहिए वो मिल रही है। बिल्कुल, तो देखिये हर्षिदा जी, वीरू भाई, यहाँ पर एक सोने चांदी के अलावा डायमंड के ऊपर भी इस धनतेरस को लोग खरीदारी कर रहे हैं, मतलब अगले 2-3-4 साल में शायद ये भी एक ट्रेंड बन जाए धनतेरस के दिन कि हम डायमंड भी थोड़ी थोड़े खरीदे। जी शुक्रिया केतन जी, और शुक्रिया दीपाली, और आप दोनों को धनतेरस की शुभकामनाएं। मैं उम्मीद कर रही हूँ आप लोग शोरूम में हैं तो आप लगे हाथ अपने लिए भी कुछ खरीद लेंगे। अच्छा चलिए, अब इस क्योंकि दिवाली धनतेरस की बात हो ही रही है और आप पूछेंगे कि स्टॉक क्या खरीदना है, तो मुहूर्त की भी तैयारी आपको करवा देते हैं। दरअसल इस पूरे हफ्ते सुमित आपको बता रहे थे कि किन किन ब्रोकरेजेस की कौन सी वो टॉपिक्स निकल कर आ रही हैं, तो वो आपको बताएंगे कि ऐसे कौन से मोस्ट रेकमेंडेड काउंटर्स उभर कर आए हैं ब्रोकरेजेस की तरफ से। अच्छा, इस बीच रुचित और समित हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुड आफ्टरनून रुचित, बताइए इस समय का ताजा ट्रेड। वेरी गुड आफ्टरनून अर्चना जी।
इस समय ट्रेडिंग में एनटीपीसी में खरीदारी की सलाह रहेगी। सो लास्ट दो ढाई महीने से स्टॉक एक कंसोलिडेशन फेज में था और वो कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट के वर्ष पर है, और आप डेरिवेटिव्स के डेटा भी देखेंगे तो 8% में ओपन इंटरेस्ट में आज बढ़त हुई है। सो क्लियर वहाँ पे डेरिवेटिव्स में भी लॉन्ग फॉर्मेशन हो रहे हैं। तो करंट लेवल्स पे 238 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करें 248 से 250 के टारगेट रेंज के लिए। समित, आपका ट्रेड क्या रहेगा? हर्षदा, कोइंसिडेंटली हमने भी यू नो एनटीपीसी पिक किया था, बट नेवरदलेस वो ऑलरेडी कवर हो चुका है, रुचित ने किया है, तो यहाँ पे हम ओएनजीसी के साथ जाना चाहेंगे। एक स्टेडी मूवर रहा है और विद इन दी ऑयल एंड गैस स्पेस, यू नो यहाँ से अगर हम देखें तो स्टॉक अभी मल्टी ईयर इनफैक्ट ब्रेकआउट यहाँ पे कंफर्म कर रहा है, तो यहाँ से हमें लगता है कि एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक 202-205 के लेवल दिखा सकता है। सो करंट लेवल पे अगर कोई बाय करता है तो वहाँ पे 191 का एक स्टिक स्टॉप लॉस होना चाहिए और ऊपर की तरफ 202-205 के इमीडिएट के टारगेट्स होंगे। ये पीएसयूज ही है जो इतना चल रहा है आज, एनटीपीसी, पावर ग्रिड, एनएमडीसी की बात हुई। धर्मेश जी, आपने पावर ग्रिड पिक किया था, लेकिन लार्जली ये क्या एक सीपीएससी इंडेक्स में भी तेजी करने का मौका है? कि अभी भी ये थीम काफी एक्टिव है पीएसयूज वाली? कि जो खास बात हर्षिता पीएसयूज के साथ ये है कि अभी भी वैल्यूएशन का बहुत बड़ा कंफर्ट है, अभी भी ये प्राइवेट सेक्टर के हिसाब से रीरेट नहीं हुए हैं और सबके जो वैल्यूएशन मेट्रिक्स है, चाहे वो पी मल्टीपल के हिसाब से देखे, प्राइस टू बुक के हिसाब से देखे, या फिर कैश पर शेयर हर कंपनी में जो जमा है वो काफी बड़ा है, सो वहाँ मार्जिन ऑफ सेफ्टी काफी हाई है और सीपीएससी जो इंडेक्स आप बता रही है वो बेस्ट तरीका है इस पूरे क्षेत्र को इन्वेस्ट करके बने रहने के लिए, तो वो तो 100% बेहतर विकल्प है। अगर पोर्टफोलियो के हिसाब से आप बात करें तो 20-25% एलोकेशन इस वक्त हम लोगों ने अपने क्लाइंटों को उसमें निवेश करने के लिए कह रखा है, दैट इज द वेटेज एलोकेशन इन दिस इंडेक्स। आप सभी इस वक्त जितना परिश्रम कर रहे हैं, जो पैनल में लोग हैं, आप लोग वाकई तारीफ के काबिल हैं। जनाब, जब से हम स्टूडियो में आए ना, बाजार हिलने को राजी नहीं है तनिक भर, चाहे वो स्टॉक हो चाहे वो इंडेक्स हो। खैर, कोई बात नहीं, थोड़ी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, थोड़ी गोल्ड की बात हो रही है। अभी कुछ देर में हमारे साथ कुछ विशेषज्ञ और जुड़ेंगे, उनसे करेंगे बातचीत। अभी यहाँ पे चार प्रकार के ट्रेड्स हो गए, ओपनिंग सर्मरी हो गई और इंडस्ट्री से बातचीत हो गई। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद बिग मार्केट वॉइसेस या तीन से भी बातचीत करेंगे और कुछ और पहलुओं पर, छोटे से ब्रेक के बाद। चाल जैसे वीरू कह रहे थे एकदम शांत, एकदम ठंडी, लेकिन मिड कैप इंडेक्स थोड़ा सा एक्शन अब दिखा रहा है, 100.2 पर ये फिलहाल ट्रेड करता हुआ। अच्छा, कैश मार्केट में कुछ बड़ा ट्रेड दिख रहा है क्या, उस पर भी नजर डाल लेते, क्योंकि वायदे बाजार में जो ट्रेड सुबह में पकड़े वही के वही चल रहे हैं, उसके आगे कुछ हुआ ही नहीं है। अच्छा, एक स्टॉक गावा साहब आपके लिए खास, एस्कॉट्स कुबोटा 3150 पर आया है, थोड़ा सा एक्शन अब जोर पकड़ रहा है, लेंगे या नहीं? एग्रेसिव है, बाय कर सकते हैं, ट्रेड कर रहा है 3150 एस्कॉट कुबोटा, टॉप होगा 3120 का, ज्यादा नहीं। ऑन द अपसाइड 3200 का फर्स्ट टारगेट रहेगा, हो सके फिर 3300 भी पॉसिबल है, बाय मोड पर है और लगता है कि यहां से कपू मिलना चाहिए एस्कॉट्स को, चप मूव बनता दिखाई दे सकता है। अब कंसिडरिंग हमने कुछ देर पहले वैसे वेदांत की बात की थी, वेदांत का शेयर आप देखिएगा 3.5% ऊपर है, हिंडाल्को एक बार आपको दिखाते हैं, हिंडाल्को नंबर्स थोड़े से फीके थे, स्टॉक हालांकि सिर्फ 1% ही नीचे है। अब चार्टिकली शिल्पा जी, जब आप हिंडाल्को देखती हैं, क्या स्थिति है, क्या क्रूशियल लेवल पर सपोर्ट मिल रहा है इसको, क्योंकि इतना टूटा नहीं है स्टॉक को? जी हर्षिता जी, बिल्कुल, यहाँ पे 475 पे एक अच्छा खासा सपोर्ट है, अगर ये होल्ड करता है तो अच्छा है, यहाँ से हम लोग वापस टूवर्ड्स 500 यहाँ पे अप्रोच करेंगे, अदरवाइज हिंडाल्को पे थोड़ा अभी आप वेट कर लीजिए, 475-470 जोन्स पे आपको मिले तब आप बाय कीजिए। हिंडाल्को आपकी स्क्रीन पे 480 पे ट्रेड करता हुआ, बात कुछ देर पहले एनटीपीसी की हुई थी, एनटीपीसी डे हाई पर है, आपको याद भी होगा कि हम 2 बजे जिक्र भी कर रहे थे कि एनटीपीसी में मूव काफी स्ट्रांग आएगा, ओआई एडिशंस याद रखिएगा एनटीपीसी में काफी स्ट्रांग हुए हैं। चलिए, अब विषय को थोड़ा सा यहाँ से बदलते हैं और थोड़ा सा दिवाली से दिवाली पर फिक्स फोकस करते हैं, इस दीपावली से अगली दीपावली पे पैसा कहाँ बनेगा, दीपावली पिक्स पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज सिद्धार्थ भामरे जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ, सबसे पहले तो कार्यक्रम में आपका स्वागत है, सबसे पहले आपको दीपावली की और धनतेरस की अग्रिम शुभकामनाएं, बताइए इस वक्त एग्जैक्टली आपको इस वक्त रिस्क रिवॉर्ड रेशो के प्रोस्पेक्टिव से अच्छा क्या लग रहा है, आप कहाँ फोकस कर रहे हैं, लार्ज कैप में, मिड कैप में, और सबसे पहले जो आपकी दो कॉल्स होंगे वो किस सेक्टर से संबंधित होंगे?
गुड आफ्टरनून वीरू, और शुक्रिया और आपको, आपके व्यूअर्स को और आपकी पूरी टीम को रेलिगेट ब्रोकिंग की तरफ से दिवाली और धनतेरस की शुभकामनाएं। वीरू, लास्ट ईयर हमने दिवाली में ब्लेंड ऑफ लार्ज कैप और मिड कैप स्टॉक्स दिए थे, 8 स्टॉक्स से तकरीबन दिए थे। उसमें पेन स्टॉक्स नहीं चले क्योंकि क्रूड ऑयल प्राइस में काफी इजाफा हुआ था जिसकी वजह से वो जहाँ के वहाँ है, बाकी सभी स्टॉक्स अपने टारगेट मीट हुए थे एंड दैट इज प्रीडोमिनेंटली बिकॉज मार्केट भी तेज रहा था। और अब हम देख रहे हैं कि मिड कैप में हमारा कंफर्ट लेवल नहीं है वीरू, और इस बार हम कम स्टॉक्स ला रहे हैं दिवाली में, 5 स्टॉक्स ला रहे हैं और 5 की 5 लार्ज कैप स्टॉक्स है। और ये हम इसलिए कह रहे हैं कि मैक्रो एनवायरनमेंट स्ट्रॉन्ग नहीं है और वैल्यूएशन कंफर्ट, ये नहीं कि वैल्यूएशन बहुत एक्सपेंसिव है मार्केट का, लेकिन ऐसा भी नहीं कि चीप वैल्यूएशन पे चल रहे हैं। तो बहुत बॉटम अप अप्रोच यूज करके अलग अलग सेक्टर से जो स्टॉक्स स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, बहुत अर्निंग्स और वैल्यूएशन का थोड़ा बहुत सपोर्ट है, ऐसे कुछ स्टॉक्स हमने सिलेक्ट किए। तो 2 लार्ज कैप स्टॉक्स पहले मैं कहना चाहूंगा, तो पहला IT और ऑटो से TCS पहला स्टॉक है, इसमें एक 22-23% का हम अपसाइड देख रहे करंट लेवल से। एक बात मैं कहना चाहता हूं दर्शकों से कि या तो आपको वैल्यूएशन सपोर्ट मिलेगा या तो आपको अच्छी स्टोरी और क्लैरिटी मिलेगी। आज की तारीख में IT में क्लैरिटी और स्टोरी अच्छी नहीं है लेकिन वैल्यूएशन अच्छा है। TCS आपको 20 टाइम PE पे कभी कभार मिलता है और अभी वो उस लेवल पे चल रहा है। SCL जैसा स्टॉक आपको 15-16 के PE पे बहुत कम टाइम मिलता है और अभी वो उस स्तर पे चल रहा है। और जब वैल्यूएशन सपोर्ट रहता है तब बहुत नेगेटिविटी रहती है। जैसे 2 साल से हम सुन रहे हैं कि US में रिसेशन आएगा और IT स्टॉक्स के लिए वो अच्छा नहीं है, और इसी के कारण 1.5 साल से IT स्टॉक्स नीचे गिर रहे थे। और अब डिस्पाइट नेगेटिव न्यूज आने के बावजूद, हम सब जानते हैं कि क्वार्टरली नंबर्स में किस तरह से सभी मैनेजमेंट्स ने थोड़ा सा कॉशियस कमेंट्री दी है, लेकिन मार्केट आगे का देखता है। तो जो अब जाके जो कॉशियसनेस है उसको मार्केट पहले डिस्काउंट कर चुका है, तो ये वैल्यूएशन काफी अच्छे है TCS के लिए। यहाँ से हमारा अपसाइड तकरीबन 22-23% का है। काफी सारे टेलविंड्स भी है, हेडविंड्स तो रेवेन्यू के लिए है लेकिन टेलविंड्स इन फॉर्म ऑफ एट्रिशन लेवल्स कम हो गया है, 21.5 से 14.5 हो गया है। हम देख रहे हैं मार्जिन प्रेशर इतने ज्यादा नहीं है बिकॉज ऑब्वियसली कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय अगर कम होगी या बढ़ेगी नहीं तो वो अच्छा होता है। और ऑर्डर कैंसिलेशन नहीं हुए, एग्जीक्यूशन में थोड़ा डिले हुआ है। तो TCS एक बाय कॉल है लार्ज कैप स्पेस में। काफी अच्छा इंटरेस्टिंग डिस्कशन आप कर रहे थे लैंडमार्क के प्रमोटर से। और दूसरा स्टॉक हमारा वही स्पेस से लेकिन लग्जरी सेगमेंट से नहीं, मारुति इज अ बाय फॉर अस। और ये स्टॉक हमने लास्ट दिवाली में भी हमने ये मेंशन किया था कि इसे बाय करना चाहिए और काफी अच्छा रिटर्न्स मिला मारुति में। यहाँ से भी हमें लगता है कि एक 22-23% का अपसाइड मारुति में बनता है। और उसके कारण ऐसे है वीरू कि या तो आप नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करो, नए मॉडल्स लॉन्च करो तो ग्रोथ होती है, और ये हम सालों साल से हम देखते आ रहे हैं कि ऑटो में अब नया मॉडल लॉन्च हुआ तो उससे सेल्स बढ़ गई है। लेकिन इंडस्ट्री एक अलग डायनेमिक से जा रही है, स्पेशली नॉन लग्जरी सेगमेंट, तो चेंज इन कंबशन यानी कि चेंज इन फ्यूल टाइप। तो EV की तो बात सबने की है, वहां पे तो मारुति अपना प्रेजेंस बढ़ा रहा है, टाटा मोटर्स हैज बीन द लीडर, बट एक और एक क्षेत्र है जहां पे मिड सेगमेंट या लोअर सेगमेंट में बहुत हलचल हो रही है, विच इज कन्वर्जन फ्रॉम पेट्रोल टू CNG। और अगर आप देखो मारुति के आंकड़े, हालांकि यू नो यूटिलिटी व्हीकल से तो आ ही रहे, बट जो कन्वर्जन हुआ है फ्रॉम पेट्रोल डीजल टू CNG, ये गाड़ियां भी काफी बिक रही है। रियलाइजेशन मारुति के बड़े है बिकॉज जैसे मैंने कहा कि यूटिलिटी सेगमेंट की गाड़ियां ज्यादा बिक रही है, अर्टिगा टाइप्स जिसमें मार्जिन्स हायर है। और पिछले 5-6 सालों में मारुति आपको काफी सस्ते वैल्यूएशन पे पी मल्टीपल में मिल रहा है। तो जनरली क्या होता है कि एक निवेशक भाव देखता है और उसको लगता है कि यार मारुति तो काफी चल गया, लेकिन आपको अर्निंग्स भी देखनी होती है और उसके बाद वैल्यूएशन निकालना होता है। तो भले ही स्टॉक नियर टू 52-week हाई होगा लेकिन वैल्यूएशन के मापदंड में ये अभी भी 5-6 साल लो के लेवल पे चल रहा है वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव। तो काफी चीप स्टॉक है और हम बाय की सलाह दे रहे हैं। ओके, मारुति हो गया, TCS हो गया, आपके 2 कॉल्स है सिद्धार्थ, बाकी 3 स्टॉक्स आपके जो आप लोगों ने 5 पिक किए हैं। आपको इस शोर से पता चल रहा होगा कि आज धनतेरस है सिद्धार्थ। सो यस यू, और यू नो आप मेरे पीछे भी देख सकते हो कि आज आप कह रहे थे कि वॉल्यूम नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है।
सो आज किसी को मार्केट में इंटरेस्ट नहीं है, सब सज के आए और सबको यू नो एक्टिविटीज, दिवाली एक्टिविटीज में हमारे डीलर्स आरएम्स सब काफी जोशो उल्लास में है. आज टारगेट इज हाउ टू लुक गुड एंड नॉट हाउ मच वॉल्यूम. तो इसी इसी चलते हुए आपको वॉल्यूम्स नहीं दिख रहे. एक बार मैं आपको ना एग्जैक्टली मैं आपको न्यूज रूम का अपने जरा ये जिप मोड़िएगा और वहां के विजुअल्स दिखाइएगा. ऐसे ही हो रहा है, बिल्कुल सही कहा आपने. ये देखिए आज कोई कंपटीशन है कि आप कितना अच्छा दिख रहे हैं आज. हाँ सिद्धार्थ बोलिए अपने तीन स्टॉक्स. हाँ जी, सो आगे बढ़ते हुए तो बैंकिंग के बिना तो आप बुलिश हो नहीं सकते हो वीरू. तो हमने एक्सिस बैंक एक स्टॉक लिस्ट किया है. व्हाई एक्सिस बैंक, व्हाई नॉट एचडीएफसी बैंक या आईसीआईसी बैंक? बिकॉज ग्रोथ रेट एक्सिस का अच्छा आ रहा है. एचडीएफसी बैंक के अपने अभी मर्जर से रिलेटेड चैलेंजेस है जिसकी वजह से उसके नंबर्स आंकड़े इतने अच्छे नहीं थे, बट एक्सिस बैंक का ग्रोथ रेट हाई है. जो सिटी बैंक के कस्टमर्स एक्वायर किए हैं उनका कासा काफी हाई है इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से, और इसी कारणों की वजह से जबकि बाकी बैंकिंग इंडस्ट्री में हमने देखा कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन में थोड़ा सा प्रेशर रहा है, एक्सिस बैंक ने अपने निम्स मेंटेन किए अराउंड 4.1% के आसपास. इनका जो वेल्थ बिजनेस है, इनका जो क्रेडिट कार्ड बिजनेस है, ये भी काफी अच्छे यू नो पेस से ग्रो हो रहा है. तो मुझे लगता है अगर प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में अगर किसी को होना है, और मुझे लगता है कि सबको होना चाहिए, तो एक लार्ज कैप स्पेस में एक्सिस बैंक आपका प्रेफर्ड नाम होना चाहिए. नेक्स्ट स्टॉक इज आईटीसी. नाउ आई थिंक बहुत ही ज्यादा इसके ऊपर चर्चा होती रहती है आईटीसी के ऊपर, तो बेसिक्स तो सभी को पता है. व्हाट वी हैव सीन इज कि जिस तरह से इसका नॉन सिगरेट रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी अब 22% हो गई फ्रॉम नॉन सिगरेट बिजनेस. बीच में स्टॉक में जो डीमर्जर की न्यूज आई थी होटल बिजनेस का, उसके बाद एक बहुत बड़ा स्पाइक आया, 500 के ऊपर गया स्टॉक और फिर वापस नीचे आया. तो आईटीसी हमारा हमेशा बाय रहा है, लेकिन 500 के आसपास हमको लगा कि इसमें होल्ड रेटिंग आनी चाहिए, और बाद में इसमें वापस एक करेक्शन आया है. हमारा 535-537 का टारगेट है, और ये भी यू नो 19-20 के पी मल्टीपल के पास अवेलेबल है, और जैसे जैसे नॉन सिगरेट रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती जाएगी ये स्टॉक की री रेटिंग होती जाएगी. तो मुझे लगता है कि एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के हिसाब से आईटीसी इस स्तर पे भी बाय करना चाहिए. एक साल का टारगेट अराउंड 22-23% का अपसाइड. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस. पिछले 6 महीने में और फर्स्ट हाफ ऑफ FY24 में 50,000 एजेंट ऐड हुए हैं एसबीआई लाइफ में. डिस्पाइट बींग पीएसयू, द ग्रोथ रेट ऑफ इंश्योरेंस स्कीम्स इज हायर इन एसबीआई लाइफ कंपेयर टू अदर ब्रोकिंग सॉरी अदर इंश्योरेंस कंपनी से ज्यादा है. और ये जो एक बिजनेस है इंश्योरेंस का, जैसे म्यूचुअल फंड पहले पुश करना पड़ता था आपको, अब वो पुल बिजनेस हो गया है. लेकिन इंश्योरेंस आज भी एक पुश बिजनेस है, लोगों को बोलना पड़ता है आप ये इंश्योरेंस लो, आप वो इंश्योरेंस लो. तो नंबर ऑफ एजेंट्स, फीट ऑन स्ट्रीट का एक अलग फायदा होता है, और वो एसबीआई लाइफ का काफी स्ट्रॉन्ग बढ़ रहा है, ग्रोथ रेट भी अच्छी है. और यूलिप का जो शेयर है एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू वो बढ़ रहा है, मार्केट शेयर भी बढ़ रहा है यूलिप का, जिसके चलते हुए मार्जिन इंप्रूव हो रहे हैं. तो ये भी एक स्टॉक है. तो ऐसे 5 स्टॉक्स की रिपोर्ट हमने निकाली है हमारे इन्वेस्टर्स के लिए. तो ये 5 टॉपिक्स जो इस समय निकाले गए हैं सिद्धार्थ भामरे और उनकी टीम की तरफ से, बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ, एंड विश यू एंड योर एंटायर टीम अ वेरी हैप्पी दिवाली. थैंक यू, विश यू द सेम. और दिवाली का ही फ्लेवर जारी रखते हैं और सुमित को जोड़ते हैं. 50% तक के रिटर्न्स कौन से स्टॉक्स दे सकते हैं यहाँ से आगे? दिग्गज ब्रोकरेज हाउसेज ने इनफैक्ट कई सारी पिक्स निकाली और उन्हीं में से कुछ पिक्स को छाटा है सुमित ने. तो दिवाली के मौके पे अलग अलग ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से कई सारी रिपोर्ट हैं, और कई रिपोर्ट्स में जो पोटेंशियल टारगेट है वो करीब करीब 50% ऊपर तक के हैं, यानी कि 50% तक का मुनाफा कुछ ब्रोकरेज हाउसेस मान रहे हैं कि शायद आने वाले समय में देखने को मिल सकता है. कौन से हों नाम, एक एक करके तमाम सूची आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेगी. सबसे पहले फिलिप्स कैपिटल मानता है कि 2600 के टारगेट्स के लिए आप गोदरेज प्रॉपर्टीज को देख सकते हैं. 43-46% के आसपास का पोटेंशियल अपसाइड उन्हें यहाँ दिखाई पड़ रहा है. मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सिक्योरिटीज का मानना है कि रेमंड में खरीदारी कर सकते हैं आप 2600 के टारगेट्स के लिए, 38% का पोटेंशियल अपसाइड टारगेट वो यहाँ पर देख रहे हैं. आनंद राठी की तरफ से IDFC फर्स्ट उन्होंने चुनी है, 83
का टारगेट है करीब 37% के आसपास के पोटेंशियल अपसाइड वो यहाँ पर देख रहे हैं अगली दिवाली तक। SBI सिक्योरिटीज का मानना है कि आप टीटागढ़ वैगन पे बैठ कर सकते हैं करीब 785 रुपए के टारगेट्स के लिए, रफली 30% का पोटेंशियल अपसाइड उनको भी यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। IDBI कैपिटल ने बेट किया है टाटा पावर के ऊपर, करीब 10,000 मेगावाट की कैपेसिटी, 244 रुपए का टारगेट्स, करीब करीब 45% का पोटेंशियल अपसाइड उनकी तरफ से आ रहा है। एक्सिस सिक्योरिटीज ने बेट किया है TVS मोटर्स के ऊपर, करीब 2100 रुपए के टारगेट्स के लिए 34% का पोटेंशियल अपसाइड वो भी यहां पर आता हुआ देख रहे हैं। कुछ और मिड कैप में अशोक लेलैंड पे बेट कर रहा है देवेन चौकसी सिक्योरिटीज, जहां पर 220 रुपए के टारगेट्स रहेंगे, करीब करीब 30% के यहां पर पोटेंशियल अपसाइड उनको दिखाई पड़ रहे हैं। ट्रेड बुल्स का मानना है कि मिड कैप में हिम्मत सिंह का सीधे इस पर आप बेट कर सकते हैं, करीब 50% का पोटेंशियल अपसाइड स्टॉक के अंदर है और 240 रुपए के टारगेट्स के लिए आप यहां बेट कर सकते हैं। UPL के ऊपर अरिहंत कैपिटल मानता है करीब 783 रुपए के टारगेट्स बीटन डाउन है, 42% के आसपास का पोटेंशियल अपसाइड यहां पर खुलता हुआ दिखाई पड़ सकता है, तो ये एक और नाम जिसके ऊपर आप बेट कर सकते हैं। और साथ साथ वेंचुरा सिक्योरिटीज मानता है कि वेल्सपन इंडिया पर बेट करिए 218 रुपए के टारगेट्स के लिए, 47% का पोटेंशियल अपसाइड यहां पर भी खुलता हुआ दिखाई पड़ सकता है। तो तमाम वो 10 नाम जहां पर अलग अलग ब्रोकरेज हाउसेज तरफ से एक अच्छे पोटेंशियल अपसाइड यानी करीब करीब 50% रिटर्न आपको अगली दिवाली तक आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। ओके, शुक्रिया सुमित इन तमाम हाउस व्यूज को बताने के लिए इन टर्म्स ऑफ स्टॉक्स, क्या वो चेस कर रहे हैं, क्या अवॉइड कर रहे हैं। चलिए अब इसी क्रम में एक और प्रोस्पेक्टिव, एक और व्यू लेते हैं। हमारे साथ श्री दीपक जसानी हेड ऑफ रिसर्च HDFC सिक्योरिटीज के जुड़ चुके हैं। दीपक जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। सबसे पहले आपको धनतेरस की शुभकामनाएं और दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं। सर, यहाँ से आने वाला वर्ष कैसा दिख रहा है आपको? सबसे पहले मतलब आधार तो हमारी अर्निंग्स ही होती हैं, ग्लोबल मार्केट्स चाहे कुछ भी हो लेकिन आधार अर्निंग्स होती है। अगले एक दो क्वार्टर्स के लिए आपको अर्निंग्स विजिबिलिटी कैसी दिखाई दे रही है और उस आधार पर आपके टॉप प्रिफर्ड स्टॉक्स क्या होंगे और सेक्टर्स कौन से होंगे? सर गुड आफ्टरनून, आप सबको भी दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। नाउ अगला साल हमारे हिसाब से दो हाफ्स में बटा जाएगा। एक तो मई तक का जो पोर्शन है स्टेट एंड जनरल इलेक्शंस, तब तक शायद खत्म हो जाएंगे मई तक। वहां तक बाजार में काफी वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी। पिछले 7 इलेक्शंस का हम अगर स्टडी करते हैं तो इलेक्शन के 1 साल पहले और 1 साल बाद के बीच में पॉजिटिव रिटर्न्स ही रहे हैं बाजार में, तो इस टाइम भी शायद यही सिचुएशन रहेगी। लेकिन वॉलेटिलिटी काफी हो सकती है इन बिटवीन। कंसर्न एरियाज भी है हमारे पास, एक इलेक्शंस को छोड़ के ये अनइवन रेन्स थे, उसकी रूरल इम्पैक्ट क्या रहेगी वो हमें आगे जाके पता चलेगा। फिस्कल प्रेशर भी थोड़ा हो सकता है ड्यू टू वेरियस अनाउंसमेंट्स, तो ये सब कंसर्न एरियाज है। FPIs के फ्लोज भी अभी थोड़े से नेगेटिव हो रहे हैं तीसरे महीने के लिए। लोकल फ्लोज अभी भी स्ट्रांग है लेकिन लोकल फ्लोज स्प्रेड हो रहे हैं, काफी नंबर ऑफ स्टॉक्स में स्प्रेड हो रहे हैं, तो उसके कारण इंडेक्स में कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं आ रहा है उसका। सो नेट नेट फर्स्ट हाफ ऑफ नेक्स्ट ईयर वुड बी स्लाइटली वॉलेटाइल विथ अ अपवर्ड बायस। सेकेंड हाफ में वॉलेटिलिटी कम हो सकती है लेकिन नए गवर्नमेंट के आने के बाद थोड़ा सा नेगेटिविटी इन टर्म्स ऑफ न्यूज फ्लो एक्सेट्रा हो सकता है कोई भी गवर्नमेंट आए, क्योंकि आने इलेक्शन के पहले हम देखेंगे कि अच्छे माहौल बना रहेगा, अच्छी एक्सपेक्टेशंस बनी रहेगी। सो बाय ऑन एक्सपेक्टेशन सेल ऑन न्यूज जैसा सिचुएशन हो सकता है। सो पोस्ट इलेक्शन थोड़ा सा करेक्शन मोड में जा सकता है, तो ब्रॉडली ये व्यू रहता है मार्केट की। दीपक जी गुड आफ्टरनून और धनतेरस की ढेरों शुभकामनाएं। ये बताइए फिर टिल द इलेक्शंस किस तरह के ट्रेड्स पर आपका फोकस रहेगा, क्योंकि यूजुअल सस्पेक्ट्स होते हैं, आप सीमेंट कंपनी लीजिए, इंफ्रा कंपनियों में पैसा लगाइए, वहां पर नॉर्मली इलेक्शन तक अनाउंसमेंट आएगी, फ्लो आता दिखाई देगा, कुछ अलग चल सकता है क्या इस बारी? हमारे हिसाब से तो PSU एज अ थीम अभी भी अच्छा लगता है। वहां पे लोगों को फोकस करना चाहिए। ऑफ कोर्स विद इन PSU डिफेंस है वो थोड़ा सा ओवरबॉट हो गया है, वहां पे थोड़ी सी करेक्शन पे
वो फिर से हमें देख सकते हैं। ऑयल एंड गैस में एक टेक्टिकल बाय हो सकता है, अभी तक ऑयल स्टॉक्स ने अच्छा किया है, आगे जाके भी अच्छा करने की उम्मीद है एक दो क्वार्टर के लिए। हेल्थ केयर एज अ स्पेस रिजल्ट्स काफी अच्छे आ रहे हैं लास्ट 3-4 दिनों में हम देखेंगे तो वहां पे भी हम फोकस कर सकते हैं। सो ये जरूरी नहीं है कि इंफ्रा बेस्ड सेक्टर्स में ही तेजी करें, देर आर अदर एवेन्यूज जहाँ पे हम तेजी कर सकते हैं। कंजम्पशन साइड क्या आपको इस समय कुछ पसंद आया है, क्योंकि अब तक अगर आप नंबर्स देखें स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस लार्जली अक्रॉस द बोर्ड स्पेशली एफएमसीजी कंपनियों ने डिलीवर किए हैं, यहां पर कुछ नया खरीदा है आपने? कौन से सेक्टर की एफएमसीजी के बारे में बात कर रहे हैं? एफएमसीजी या फिर लार्जली कंजम्पशन साइकिल वाली कंपनियां। हां, सो कंजम्पशन में बेसिकली आप एफएमसीजी कहिए, पेंट्स कहिए, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स कहिए, रिजल्ट्स काफी फ्लैट आए हैं, एक्सपेक्टेशन से थोड़े कम आए हैं। इसका कारण यह है कि आई थिंक डिमांड, एक तो फेस्टिव सीजन पोस्टपोन हो गया है और दूसरा रूरल स्ट्रेस अभी भी दिख रहा है, तो रूरल डिमांड अभी भी थोड़ी सबड्यूड है। तो जैसे मैंने पहले बताया कि जो अनइवन स्प्रेड मानसून का रहा है उसका इम्पैक्ट क्या होगा हमें आगे जाके पता चलेगा। तो नेक्स्ट क्वार्टर में अगर एफएमसीजी या कंज्यूमर फेसिंग सेक्टर्स में अगर रिवाइवल देखते हैं तो अच्छी बात है, अगर नेक्स्ट क्वार्टर जो पीक क्वार्टर है इन टर्म्स ऑफ स्पेंडिंग, अगर वहां पे भी हम कंज्यूमर फेसिंग सेक्टर्स में अच्छी खरीदारी नहीं देखते हैं इन टर्म्स ऑफ डिमांड, तो शायद हमको फिर से एग्जामिन करना पड़ेगा कि एफएमसी कंज्यूमर फेसिंग सेक्टर में हमें बुलिश रहना है या नहीं रहना। ओके दीपक जी, अभी पिछले मतलब अगर मैं अप्रैल से देखूं जब बाजार का पूरा ये स्विंग शुरू हुआ था, फार्मा ने बहुत स्ट्रॉन्ग मूव दिया और अभी भी आई मीन इस क्वार्टरली जब आपने नंबर्स देखे उसके बाद कोई भी रीजनेबल डिप नहीं है, ना 5%, ना 3%, 2%, स्टॉक्स हायर लेवल्स पर सस्टेन कर रहे हैं, इंडेक्स ऑल टाइम हाई पे फिर खड़ा हो गया है, पोस्ट कोविड स्विंग हाई था वो क्रॉस हो गया है। सर फार्मा में आपका टेक, आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं और खास कोई स्टॉक स्पेसिफिक कमेंट्री आप पेश कर पाए इस स्पेस में तो बहुत अच्छा रहेगा। फार्मा में इस क्वार्टर में लोगों का एक्सपेक्टेशन था कि डोमेस्टिक फॉर्मेशन सेल्स थोड़े से सबड्यूड रहे हैं तो शायद अच्छे रिजल्ट्स नहीं आएंगे, बट इसके बावजूद मोस्ट फार्मा कंपनीज के रिजल्ट बहुत अच्छा है, एक्सपोर्ट फ्रंट पे काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है और डोमेस्टिक में भी थोड़ा सा कंसोलिडेशन हुआ है मार्केट शेयर में, तो जो बड़े प्लेयर्स थे उनका शेयर बढ़ा है, उनके कारण वो अच्छा रिजल्ट दे पाए हैं। सो फार्मा में हमें ये दिवाली पिक में हमने डॉक्टर रेड्डीज चूज किया है, लार्ज कैप ही चूज किया है, बट वैसे अदर देन दिवाली पिक्स हमारे पिक्स फार्मा में होते रहते हैं, बट करंटली आई थिंक दिवाली पिक्स में हमने डॉक्टर रेड्डीज को चूज किया है। यहाँ पे हमने दिवाली पिक्स के समय में कैपिटल प्रिजर्वेशन एंड अल्फा जनरेशन का कॉम्बिनेशन के लिए हमने स्टॉक्स पिक किए हैं, तो इसके कारण लार्ज कैप हमारे फोकस में आ गया है, तो डॉक्टर रेड्डीज हैज बीन आवर पिक। चलिए दीपक जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए एंड विश यू अ हैप्पी दिवाली इन एडवांस। तो भारतीय बाजारों में इस समय एक बार नजर डाल ली जाए, डॉक्टर रेड्डीज एक बहुत बढ़िया पिक इन्होंने दिया, लेकिन मार्केट देखिए दिवाली चेयर दिखा रहा है, एक बहुत बड़ा रिवर्सल देखने को मिला है 19425 के लेवल्स। इनफैक्ट इस समय अच्छी तेजी बनती हुई दिखाई दी है, डे हाई पर मार्केट आता हुआ ये अच्छा रुझान है। अब देखिएगा 43816 के लेवल्स, इनफैक्ट इस समय बात करते करते 822 का लेवल आ चुका है निफ्टी बैंक में, तो वहां पर भी एक बहुत शार्प पुल अप 130-140 अंकों की तेजी बनती हुई और साथ ही साथ मिड कैप इंडेक्स 200.2 पर, तो एक अच्छा स्विंग तेजी की तरफ आया है और इस तेजी में बड़ी बड़ी भूमिका दरअसल बैंकों की रही है। आप कोटक महिंद्रा बैंक देखिए, आप HDFC बैंक देखिए, इन दो काउंटर्स में एक अच्छा स्विंग आप देखने को मिला और इनका सपोर्ट ONGC तो वैसे सुबह से ही आउट परफॉर्म कर रहा है तो अब वो 2% ऊपर आता हुआ, लेकिन HDFC और कोटक, इनफैक्ट इस समय कॉन्ट्रीब्यूटर्स दिखाएंगे प्लीज आप निफ्टी के कहां पर ज्यादा एक्शन बनता हुआ। देखिए HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, NTPC और साथ ही ITC, ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर कुछ कुछ खरीदारी देखने को मिल रही है।
रुचित क्या जाने से पहले एचडीएफसी लॉन्ग करेंगे? पोजिशनल पर्सपेक्टिव से देखूंगा, अगर सिर्फ एक से दो दिनों की ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव देखनी है तो स्टॉक में अभी भी कंसोलिडेशन फेज में है। बट ये अगर पोजिशनल ट्रेडर्स है जहां पे मे बी नेक्स्ट दो से तीन हफ्तों का व्यू है तो आई थिंक स्टॉक में करंट लेवल्स पे खरीदारी की जा सकती है, क्योंकि यहाँ पे मोमेंटम रीडिंग्स लोअर टाइम फ्रेम पे ओवरसोल्ड है, तो एक पुल बैक मूव के लिए लिया जा सकता है, बट नॉट फॉर वन और टू डेज, थोड़ा दो से तीन हफ्ते का व्यू तो खरीदारी कर सकते हैं। ओके, समित, कोटक पर कोई खास व्यू? देखिए आशादा, अगर कोटक बैंक की बात करें तो ये स्टॉक में अभी लास्ट कुछ दिनों से हम कंसोलिडेशन ही देख रहे हैं, और जब तक यू नो ये वन ऑफ दी अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक्स रहा है विद इन दी बैंकिंग स्पेस, तो जब तक ये 1780-1800 का जो पड़ाव है मेजर एक यू नो क्लस्टर ऑफ रेजिस्टेंस जहाँ पे हम देख सकते हैं 89 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज दोनों कोइंसाइड हो रहे हैं, तो जब तक ये स्ट्रॉन्ग स्टडी वॉल जब तक सरपास नहीं होता है तब तक आपको कोटक में ऐसा कुछ बड़ा मोमेंटम दिखेगा नहीं, तो इसमें तभी आपको ध्यान देना है जब ये स्टॉक 1780-1800 के लेवल ऊपर की तरफ सरपास करेगा। 100 की तरफ वैसे ज्यादा दूर है नहीं, वहां से करीब 53 पॉइंट की दूरी है, लेकिन 1800 के ऊपर कॉन्फर्मेशन आएगा। इन स्टॉक्स में निचले लेवल से एक अच्छा रिवर्सल देखने को मिला है, 19430 के आसपास अब निफ्टी आपको दिखाई देगा, एक बहुत स्ट्रॉन्ग पुल बैक देखने को मिल रहा है। धनतेरस के दिन तेजी वाली पोजीशंस बनती हुई। चलिए, खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। हफ्ता दिलचस्प रहा, इस हफ्ते हमारे साथ आशीष कयाल, जतिन गेडिया और साथ ही साथ हरीश जुझारे मैदान में थे। कल तक सब रिटर्न्स पॉजिटिव में थे, कल और आज में दरअसल हरीश ने कुछ ग्राउंड लूज किया है, इनका -2% का रिटर्न रहा। जतिन ने अच्छा कंपटीशन दिया आशीष को, इनके 7.5% के रिटर्न्स, लेकिन विजेता एक ही है आशीष कयाल, 13% तक की कमाई इनके पोर्टफोलियो में बढ़ती हुई दिखाई दी है। आशीष, कॉन्ग्रेचुलेशन, खिलाड़ी नंबर 1 का खिताब आप फिर जीत रहे हैं। कुछ ट्रेड्स जो आपके खूब चले हैं, नायका, केफिन, EPL, RVNL, इनफैक्ट नायका में तो मैक्सिमम रिटर्न्स आपने कमाए। अगले हफ्ते कंस्ट्रिंग छोटा हफ्ता है, एक दिन छुट्टी रहेगी, सोमवार के ट्रेड के बाद मंगलवार बाजार बंद रहेंगे। बताइए अप्रोच क्या रहेगी, क्या ये जो हम आज फिर 19400 के ऊपर निकले हैं टिकेगा ट्रेड? हर्षिता जी बहुत बहुत धन्यवाद, और जहां तक मुझे ध्यान है लास्ट ईयर भी शायद दिवाली के वक्त ही धनतेरस के वक्त ही ये भी खिलाड़ी नंबर 1 हुआ था और जीते थे, तो ये हमारा सौभाग्य है कि आज चैनल पे वापस से जीत पाए। और ओवरऑल देखेंगे तो बाजार में अभी फिलहाल बाय ऑन डिप्स की रैली चालू है, और यहाँ पर जो भी डिप मिली है हमें यहाँ से बाय ही चलते हुए करते हुए चलना चाहिए। चुनिंदा स्टॉक्स में प्रॉफिट बुक करना भी जरूरी है, अगर काफी सारे स्टॉक्स आप देखेंगे तो ऊपर जाके वापस से रिवर्स हो रहे तो हमने प्रॉफिट बुक करते गए, और आने वाले वीक में भी मेरे ख्याल से रणनीति बाय की होनी चाहिए। मोरा ट्रेडिंग डे के दिन, संडे के दिन मेरे ख्याल से मार्केट अच्छा हो सकता है, खुलेगा ही शायद ऊपर की ओर, ऐसी गुंजाइश है। और कमिंग वीक में मेरे ख्याल से ओवरऑल सेक्टर देखेंगे तो मिड कैप सेक्टर आउट परफॉर्म करेगा, और मिड कैप सेक्टर में से भी स्पेसिफिक स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन होगा, अक्रॉस द बोर्ड बाइंग शायद ना हो, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पे नजर बनाए रखनी होगी। जो आपने इस हफ्ते लिया था जो अगले हफ्ते भी कैरी करेंगे? हाँ बिल्कुल, अगर देखेंगे तो जो भी हमने स्टॉक्स जोड़े थे और आज के दिन भी जो स्टॉक जोड़े हैं वो कैरी कर सकते हैं, और जैसे कि जो स्टॉक्स हम पूरे सप्ताह में जोड़े थे नायका, आरबीएनएल, और वो स्टॉक्स भी अच्छे हैं। पोजिशनल पर्सपेक्टिव से हम प्रॉफिट बांध रहे थे क्योंकि प्रॉफिट बुक करना था इंट्राडे, और नए स्टॉक जोड़ने भी थे, लेकिन अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल जो स्टॉक्स है वो काफी अच्छा आउट परफॉर्म कर रहे हैं, तो यहाँ पर अल कार्गो है, मैं कैरी करूंगा नेक्स्ट वीक के लिए। अगर आप दूसरे स्टॉक ऐड करना चाहे तो जैसे क्वेस्ट कॉर्प है, मिड कैप आईटी में कुछ मोमेंटम बन सकता है, फार्मा स्पेस में अच्छा खासा मोमेंटम है, तो ये दो क्षेत्र में नजर बनाए रखनी होगी, और दो स्टॉक जो मैं ध्यान रखूंगा वो ऑल कार्गो है और क्वेस्ट कॉर्प है। ओके, ऑल कार्गो, क्वेस्ट कॉर्प जैसे ट्रेड्स पर नजरें रखें, नायका जैसे ट्रेड्स को कैरी करें। कांग्रेचुलेशंस, ऑल द बेस्ट, और साथ ही वेरी हैप्पी दिवाली आशीष जी। अच्छा, इस बीच मार्केट देखिए जिस तरह का स्विंग दिखा रहा है, कुछ स्टॉक्स में अच्छी तेजी बनती दिखाई दे रही है। एक रीसेंट लिस्टिंग जियो फाइनेंस आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, उसमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग पुल बैक देखने को मिल रहा है, स्टॉक आप देखेंगे तो करीब 3.25% ऊपर, और साथ ही साथ गौर करिएगा आप मेदांता के शेयर पर, हॉस्पिटल काउंटर्स में खूब तेजी बनी है और मेदांत का स्टॉक देखिए आउट परफॉर्म करता हुआ आज, यहाँ पर भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग पुल बैक देखने को मिल रहा है। अब तक हमने देखा था लार्जली कई सारे स्टॉक्स थे जहाँ पर तेजी दिखाएंगे आप, प्लीज मेदांता का शेयर जहाँ पर तेजी बनती दिखाई दी है, तो ये एक और काउंटर है जहाँ पर मोमेंटम
देखने को मिला। हाँ, ग्लोबल हेल्थ कहते हैं इसे। मानस, वेदांता या ग्लोबल हेल्थ, कोई अपडेट इस पर चार्ट के लिए? देखिए, वेदांता की जहां तक बात है, ये एक फ्रेश ब्रेकआउट है क्योंकि 850 रुपए के आसपास एक रेजिस्टेंस था डेली चार्ट पे, जिसको स्टॉक ने ऑलरेडी रीच कर दिया है। लेकिन क्योंकि दो दिनों में एक अच्छी खासी रैली देखने को मिली है, फ्रेश खरीदारी की राय नहीं रहेगी। अगर किसी ने लॉन्ग पोजीशन ऑलरेडी बनाई हुई है तो वहां पर अपना स्टॉप लॉस रिवाइज करके 8909 कर ले और पोजीशन में बने रहिए। आई थिंक 960-970 तक के भाव आपको स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। एक इंटरेस्टिंग, काफी बड़ा ट्रेड बनता दिखाई दिया है इसमें, इंटरेस्टिंग मूव इस स्टॉक में भी बना है 19431 के आसपास। याद रखिएगा, इस हफ्ते का जो हाई था निफ्टी का वो 19464 के आसपास था, अ लिटिल शॉर्ट ऑफ दैट, लेकिन एक अच्छे ट्रैजेक्टरी के साथ दरअसल बाजार मोमेंटम दिखा रहा है क्लोजिंग पर। लेकिन दिवाली का मौका है, कई सारे जानकारों से हम बात कर रहे हैं और इसी मंच पर दरअसल हमने बात की समीर अरोरा से भी। समीर अरोरा का मानना है कि आने वाले समय में लार्ज कैप्स आउट परफॉर्म करेंगे, मिड कैप में हर बार बहुत ज्यादा रिटर्न की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। समीर, इस समय भी मार्केट थोड़ा सा अब ऐसा लग रहा है क्या कि यहाँ से शायद बहुत ज्यादा रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन रखना थोड़ा शायद बेमानी होगा यहाँ से? गलत है, बहुत ज्यादा गलत है, क्योंकि अभी देखिए, अगर बहुत ज्यादा आएंगे, अगर आएंगे, मेरे को लगता है लार्ज कैप्स विल आउट परफॉर्म, बिकॉज ये ना सोचे कि हर साल कोई रिटर्न में है कि स्मॉल कैप्स हैव टू आउट परफॉर्म। एक्चुअली जब 3-4 साल पहले 2018 में कुछ 40% गिरे थे ये स्टॉक्स, जबकि मार्केट नहीं गिरी थी, मार्केट वॉज अप 3-4% आई थिंक, और 1%। सो ब्रॉड और लार्ज कैप्स इतने ज्यादा नहीं बढ़ सकते, बट मैं कह रहा हूँ ये एक्सपेक्टेशन इतनी जरूरत ही नहीं होती कि बड़े ज्यादा रिटर्न बनेंगे तब आपको मार्केट में इंटरेस्ट आना है। बेसिकली मार्केट आपकी बाकी चीजों से ज्यादा रिटर्न नॉर्मली हर एवरेज एनुअलाइज पीरियड में दे जाती है 4-5 साल के। तो अगर आपने ज्यादा बन गए तो हम ऑफकोर्स दोनों हाथों से लेंगे, लेकिन उस एक्सपेक्टेशन से आप क्या चीज चेंज करोगे? अगर आपको पहले ही पता हो कि ब्रॉडली इक्विटी डज बेटर देन अदर थिंग्स, अब वो 20% भी बनाएगा तो सबसे ज्यादा है, फिर वो 40 बनाएगा, उसके लिए आप पहले क्या करोगे? अपना घर बेच के थोड़ा डाल दोगे? सो देयर इज नो नीड टू थिंक ऑफ दोस थिंग्स। एक्चुअली जो यंग क्राउड है, अगर वो ज्यादा सोचे तो उनको उनको तो चाहिए ही नहीं ज्यादा रिटर्न। अब वो उनके पास पहली इंस्टॉलमेंट, पहले 6 महीने से उन्होंने SIP शुरू किए, साल से शुरू किया, अभी 40% बढ़ गया, उनको क्या मजा आया? इनफैक्ट जब मेरे पास 10% भी कैश होता है मेरे फंड में, मैं कहता हूँ यार भी मार्केट ना पड़ जाए, थोड़े दिन मुझे जरा इन्वेस्ट करने दीजिए। सो दैट इज हाउ इट शुड बी व्यूड, कि इफ इट्स अ स्टार्ट ऑफ योर इन्वेस्टिंग करियर, आप एकदम पहले 6 महीने में ज्यादा रिटर्न बना के आपको आपको फायदा कम होगा ओवर टाइम। ओके, चलिए, तो ये आप बिग मार्केट वॉइसेस की कड़ी को सुन रहे थे जिसमें अनुज ने बात की है समीर अरोड़ा के साथ। इस बीच निफ्टी डे हाई, बैंक निफ्टी डे हाई, बट क्या ब्यूटी है, इसे कहते हैं कंसोलिडेशन विद पॉजिटिव बायस। क्यों सुबह बायो डिप्स कहा गया था? आज सुबह का लेवल था 18321 और एग्जिट बोला गया था 19444 पे, लेवल सुबह के आपको याद होंगे और वो मिल गया। एक जरा में मुझसे प्रश्न पूछा है हर्षता कि क्या कैरी कर सकते हैं थोड़ी पोर्शंस मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए? स्ट्रक्चर जिस प्रकार का है, जिस प्रकार से आपने 2010 डेमा से पुल बैक लिया, यस डेफिनेटली मॉर्निंग के लेवल्स ले आइएगा। और बैंक निफ्टी में सुबह का लेवल क्या था बाय ऑन डिप्स का? वो था एग्जैक्टली 53558, न्यू वीकली कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक वो एक बेस था, एग्जैक्टली वही लो है। और एग्जिट जोन क्या था? वो था 43816910 और ऑलमोस्ट आपकी स्क्रीन पे जो है वो 910 जो है वो ऑलमोस्ट आ चुका है। तो आप बतौर अगर कंसोलिडेशन में वो बाय ऑन डिप आपने किया तो आपको ट्रेड अच्छा मिल चुका है, बुक करिए। बट क्योंकि एक मुहूर्त ट्रेडिंग का सेशन है सामने, तो आप छोटी सी पोजीशन जो है वो कैरी भी कर सकते हैं, पर इट्स अ गुड क्लोज बट विद इन दैट रेंज। अब चलते हैं हर्षता के पास इस क्लोजिंग को देखने के लिए बड़ी वॉल पे। हर्षता, ओवर टू यू, और दिन अच्छा था और अच्छा क्लोज मिलता हुआ। जी हाँ, एक बहुत ही बढ़िया क्लोज है वीरू, जहाँ पर लग रहा था कि थोड़ी सी नेगेटिव टेरिटरी में धनतेरस का दिन जाकर टिकेगा, लेकिन 51.52 पर इज नॉट बैड एट ऑल। और जो स्विंग बैक बैंकों में देखने को मिला है वो एक्सेप्शनल है, 200 पॉइंट की तेजी निफ्टी बैंक आपको स्क्रीन पर दिखा रहा है। तो ये देखिए, आज का क्लोज आता हुआ तो बैंकों के बल पर हमने देखा है वो रिकवरी आई, और कुछ बैंक हम आपको बता भी रहे थे कि HDFC,
कोटक जैसे काउंटर्स, इनमें निचले लेवल से थोड़ी सी खरीदारी आती दिखाई दी। एक्सिस तेजी में था, उनका सपोर्ट मिला है। निफ्टी आईटी थोड़े से सॉफ्टर साइड पर था, लेकिन आज एक तो मेटल कंपनियां थोड़ा सा एक्शन दिखा रही थी, लेकिन देखिएगा आप निफ्टी सीपीएससी, क्योंकि वहीं पर सबसे ज्यादा एक्शन बनता दिखाई दिया है। कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स मैं आपकी स्क्रीन पर लेकर आती हूं। निफ्टी सीपीएससी लगभग 1% ऊपर। ओएनजीसी देखिए आप, देखिए एनटीपीसी, आप देखिए पावर ग्रिड, आप देखिए पीएफसी, आरईसी, ये सब वो काउंटर्स हैं जो पीएसयू कंपनियां हैं, जहां पर आज हमने देखा अच्छी खासी तेजी, और कुछ तो इनफैक्ट 2-2%, 3-4% तक के गेंस भी दिखाने में कामयाब रहे हैं। तो एक स्ट्रेंथ वाली पॉकेट ये रही। इसके आगे अगर आप ध्यान देंगे तो आज के दिन हमने देखा टाटा कंज्यूमर जैसे काउंटर में कुछ खरीदारी का एलिमेंट साफ देखने को मिला था। बैंकों में आप एचडीएफसी बैंक देखिए, एक्सिस देखिए, वहां पर जाते जाते तेजी की पोजीशंस लौटी। इनफैक्ट 0.5% ऊपर एचडीएफसी बैंक जाकर टिकता हुआ दिखाई दिया। यहां पर फॉलो थ्रू देखने को मिला है कुछ ट्रेड्स का पॉजिटिव साइड पर, लेकिन मिड कैप्स की यूनिवर्स में खूब एक्शन। एमसीएक्स एक पॉजिटिव साइड का ट्रेड रहा है, कल की गिरावट के बाद यहाँ पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग पुल बैक देखने को मिला। एनएमडीसी में हमने देखी अच्छी खासी तेजी बनती हुई दिखाई दी है, 5-5.5% ऊपर आपके सामने एमसीएक्स। एनएमडीसी में भी काफी स्ट्रेंथ देखने को मिली है। साथ ही साथ आप गौर करिएगा यहाँ पर आज हमने देखा ये थोड़ा बहुत मेदांता जैसा काउंटर जो हम कुछ देर पहले मेंशन कर रहे थे, वहां पर एक स्विंग बैक देखने को मिला है। और साथ ही साथ गौर करिए होनासा, कुछ ही देर पहले हम आपको बता रहे थे कि इशू प्राइस के नीचे फिसला और वहां पर क्या तेजी आई है, निचले लेवल से सीधा खींचा है, 323-324 के स्तर आ गए, 7% का उछाल आ गया। आज के आज ही इशू प्राइस टेस्ट किया और उसके बाद ये स्विंग बैक दिखाता हुआ काउंटर, तो काफी इंटरेस्टिंग मूव्स देखने को मिले हैं। चलिए ओवरऑल सिचुएशन पॉजिटिव है, हम वीक हाई पर नहीं लेकिन एक डिसेंट परफॉर्मेंस डे हाई पर जाकर मार्केट को क्लोज होता देख रहे हैं। अब आपके लिए लेकर आते हैं हीट मैप, उसमें साफ दिखाई देगा कितनी तेजी कितनी मंदी पर दरअसल आज इस फ्राइडे का क्लोज बनता दिखाई दिया है। तो अक्रॉस द बोर्ड खरीदारी, एनटीपीसी ओएनजीसी जैसे ट्रेड्स मजबूत रहे, टेक महिंद्रा का साथ मिला है आज, साथ ही साथ आईटीसी में एक अच्छी खासी खरीदारी, दोनों बजाज ट्विंस, बजाज फिनसर्व और फाइनेंस में खरीदारी बनी। आयशा के नंबर से पहले कुछ तेजी की पोजीशन 0.5% ही सही, लेकिन तेजी वहां पर बनती दिखाई दी है। तो ये कुछ स्टॉक्स है। आईसीआईसीआई बैंक 940 पर क्लोज दिखा रहा है, रिलायंस ने थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाया, एट द बेल हीरो 2% नीचे, एमएनएम के नंबर्स के बाद करेक्शन, एचसीएल टेक, हिंडालको, टाइटन, ये कुछ स्टॉक्स रहे हैं जहां पर कुछ मुनाफा वसूली देखने को मिली है। तो आज की क्लोज आप कह सकते हैं एक अच्छी क्लोज है, कंसिडरिंग दिन भर हमने देखा था मुनाफा वसूली ही देखने को मिल रही थी। मिड कैप इंडेक्स 200 पॉइंट ऊपर, निफ्टी 47 पॉइंट ऊपर और निफ्टी बैंक करीब 203 अंकों की बढ़त पर जाकर टिक पाने में कामयाब रहा है। इस हफ्ते के कुछ मूवर्स हैं तो आप दिखाइएगा प्लीज डायरेक्टर साहब, क्योंकि ये फ्राइडे है वो हम भूल नहीं सकते। आयशो मोटर्स, आईटीसी, एचडीएफसी बैंक, आधे-आधे% के गेंस ही सही लेकिन वहां पर एक्शन रहा। बीपीसीएल बहुत स्ट्रॉन्ग मूव, डीवीज लैब, एक्सिस बैंक, ये कुछ स्टॉक्स रहे हैं जहां पर हमने देखा इस पूरे हफ्ते काफी स्ट्रॉन्ग गेंस बनती दिखाई दी। तो ये इनफैक्ट आपके लिए मिड कैप के स्टॉक्स भी आ गए हैं। प्रेस्टीज एस्टेट्स, इसमें सुजलॉन और रिलायंस पावर, जो हालांकि ये क्यों ट्रेड कर रहा है रियली डोंट नो, सेंचुरी टेक्सटाइल, अपोलो टायर, जिप्का लैब्स, ये वो ट्रेड्स हैं जिस पर बाजार ज्यादा बुलिश था। चलिए फटाफट लगे हाथ तक ये सीधा सौदा का अपडेट, नीरज और आशीष के बीच जो मुकाबला रहा, कौन से स्टॉक ज्यादा एक्शन में रहे हैं वो भी आपको दिखा देते हैं आज के दिन, जहां पर एक क्लोज पॉजिटिव रहा है स्क्रीन पर। तो आशीष ने शॉर्ट साइड के 3-4 स्टॉक्स पकड़े थे, उन सब में मंदी देखी गई, तेजी में बीएमएल 3.5% ऊपर। साथ ही साथ नीरज का परफॉर्मेंस भी आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। इनके सारे तेजी वाले ट्रेड, शारदा मोटर्स, एस, ई क्लर्क, सुब्रॉस, सब में अच्छी खासी खरीदारी बनती दिखाई दी है। तो ये फिलहाल आपके लिए पूरा हाल आज के बाजार का आपकी स्क्रीन पर आता हुआ, लेकिन आज हम वाइंड डाउन कर रहे हैं मार्केट के ट्रेड को। आप मैं उम्मीद कर रही हूँ एक अच्छा खासा धनतेरस की इवनिंग बिताएंगे, लेकिन दिवाली की आप सभी को एडवांस में बहुत बहुत शुभकामनाएं, दिवाली शुभ लाभ वाली हो, आपका पोर्टफोलियो रिटर्न और भी रोशनी से जगमगाए, लेकिन आपसे मुलाकात होगी संडे को मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन। जी हां, और पूरा पैनल सीएनबीसी आवाज का, हर्षदा, मैं, अनुज, आशीष सब मौजूद होंगे दिग्गज मेहमानों के साथ मुहूर्त ट्रेडिंग के उस छोटे से सेशन के लिए, लेकिन फिर भी बेहद शानदार रहे आपकी दीपावली की तैयारियां,
और फिर मुलाकात होगी संडे को, रविवार को मुरट ट्रेडिंग में। तब तक के लिए नमस्कार।